सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड वेलकम है आप सबका एकदम तहे दिल से टू द सीए इंटर ऑडिट बैच। जी हाँ, स्वागत है आपका ग्रुप टू के एकदम शानदार वाले पेपर में। यस, मुझे आपकी चैट्स दिख रही हैं एकदम बढ़िया तरीके से। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एवरीवन, योर चैट्स आर विजिबल टू मी, सब एकदम बढ़िया तरीके से मुझे दिख रहा है। तो स्वागत है आप सबका इस बैच में। एंड मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सबसे ज्यादा ना खूबसूरत पेपर है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेपर ऑफ योर ग्रुप टू ऑफ योर सी ए इंटर ऑडिटिंग, दैट इज सी ए इंटर ऑडिट। सबसे ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस पेपर में। आप बस अपनी ना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मतलब ये अब समय आ गया है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। रोज यहाँ पे आप और मैं रूबरू होंगे, रोज यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे की एक बढ़िया बॉलीवुड की पिक्चर चलेगी, जिसमें पूरा फन होगा, पूरा मजा आएगा, और कहीं ना कहीं आप अपने साथ ढेर सारी लर्निंग्स भी लेके जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा नाम ले लीजिए, तुम्हारा नाम ही तो मेन है, बरकतुल्ला रब्बानी जी, क्या बात है। तो ये है इनका नाम। वेरी गुड मॉर्निंग आपके लिए, एंड गुड मॉर्निंग प्रतीक, गुड मॉर्निंग खुशी, बहुत खुशी हुई आपसे मुझे मिलके। एंड लेट्स बिगिन विद द बैच। तो सबसे पहला जो सवाल बच्चों के मन में आता है, पता है क्या आता है? वो कुछ जानना ही नहीं चाहते, कहते ऑडिट वॉडिट क्या है, हमको बताओ ही मत। आप हमको ये बताओ कि ये वाला जो पेपर है सी ए इंटर ऑडिटिंग का, सर ये ईजी है या फिर टफ है, ये बता दो सबसे पहले तो हमको। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं दैट इट इज द इजीएस्ट पेपर ऑफ योर ग्रुप टू। एडवांस अकाउंट्स में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़े सारे सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। ईआईएस एसएम में कितनी टेक्निकलिटीज है मैं भी नहीं बता सकता। एफएम इको में भी आपको बड़े सारे सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम क्लास में ही इतना शानदार तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे कि आपको घर पे लगेगा अरे यार सब कुछ तो क्लास में हो गया, मैं घर पे करूं क्या। तो यही सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स। एंड अगर आप क्लास में मेरे साथ एकदम शानदार तरीके से बैठ गए, सारी बातें जो मैं आपको बताता हूं आपने सुन ली और मेरे साथ क्लास में पार्टिसिपेट कर लिया, आपका ऑडिट का सफर एकदम सुहाना हो जाएगा। नाउ कुछ क्लास इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इनके साथ आप कंप्लाई करके चलना। जो भी आपके एंड्रॉयड और आईओएस के डिवाइसेस हैं, सर इसका क्या मतलब है, आपके फोन की बात कर रहा हूं, प्लीज अपने फोन को ना अपनी जो डेस्क है जहां पे आप अभी बैठे हैं, जी हाँ आप जहां पे आप अभी बैठे हैं, प्लीज उससे दूर रख दीजिए। बिकॉज यही है जो हम दोनों के बीच में आ सकता है, यही इकलौती एक चीज है जो हम दोनों के बीच में आ सकती है और हमारा रिश्ता खराब कर सकती है। तो प्लीज अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर रखिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो अगर ये आपकी आंखों से दूर रहेगा तो कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी तरफ नहीं आएगी। प्लस When you are sitting, you need to sit with a register and a pen. अपने साथ एक register और एक pen जरूर रखें, ताकि जो भी चीजें मैं आपको बताऊं, जो भी memory techniques हम discuss करें, जो भी मैं आपको examples दूं, वो आप note down करके चलते जाएं और class में आप active बने रहें। देखो सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोचना भी मत सोने की, तुम अपने साथ एक पानी की water bottle जरूर रख के रखना, ये water bottle ही तुमको जगाए रखेगी। हम इतनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इतनी सारी चीजें बोल बोल के याद करेंगे, अल्टीमेटली वॉटर बॉटल विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिट विद अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। आज जब हम ऑडिट पढ़ेंगे तो ये ऑडिट हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप स्कूल में आपकी टीचर आपको पढ़ाती थी, पहले सारी चीजें समझाती थी, फिर आप चीजें समझते थे, फिर आप उन चीजों को घर पे जाके प्रैक्टिस करते थे, रिवाइज करते थे, क्लास टेस्ट देते थे, वही सारी चीजें हम करेंगे। याद है बचपन में टीचर ने एक पोयम सिखाई थी, जॉनी जॉनी यस पापा, सिखाई थी नहीं सिखाई थी? तो उस टाइम पे आप क्या करते थे, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। अब ये सब क्या था, इससे आपको ना पूरी पोयम याद हो गई। इस तरीके से हम अगर पूरा ऑडिट याद कर ले तो बताओ क्या चीज है। तो ये चाइल्ड लाइक एटीट्यूड आपने रखना पड़ेगा। जो भी अंट शंट मेमोरी टेक्निक्स में आपको बताऊंगा उनमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको मजा आ जाएगा। तो उनमें ना लॉजिक मत ढूंढना, उसमें सिर्फ मैजिक ढूंढना कि यार क्या बढ़िया तरीके से ऑडिट याद होता जा रहा है। सो सिट विद दैट चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, मेरे साथ अभी आप कमिटमेंट कर दो कि पूरी शिद्दत से आप इस क्लास में बैठोगे, कोई भी कमी नहीं छोड़ोगे, मैं पूरी एनर्जी लगाऊंगा आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, बट मुझे भी आपकी तरफ से वो एनर्जी चाहिए। दोनों की एनर्जी मिलेगी तभी मैजिक क्रिएट होगा, ठीक है? यस सर। नाउ टॉकिंग अबाउट अवर अप्रोच, ये हमारी अप्रोच रहेगी कि सबसे पहले हम चीजों को समझेंगे कि भाई ये जो चीज है ये कहना क्या चाह रही है, देन
सिर्फ समझना काफी नहीं है, सिर्फ समझना काफी नहीं है, 99% ऑफ द सीएस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑडिट बट दे आर नॉट एबल टू मेमोराइज इट, उनको याद ही नहीं आता एग्जाम हॉल में कि लिखना क्या है। तो हमारा फोकस रहेगा कि हमें एग्जाम हॉल में भी याद है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें एग्जाम ही तो क्लियर करने हैं। आप और मैं क्यों रूबरू हुए हैं सर, सीए इंटर ऑडिटिंग में शानदार नंबर लाने के लिए, क्या इसके अलावा किसी का कोई और पर्पस है क्या? बता दो अगर किसी और का कोई पर्पस है। आपको और मेरा यही तो पर्पस है कि आपके सीयर इंटर ऑडिटिंग में शानदार नंबर आए, आपको ऑडिटिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले कि आपके बिग फोर के आर्टिकल लीडरशिप इंटरव्यूज भी क्लियर हो जाए, यही सब तो हम चाहते हैं। अगर किसी की कोई और है तो बता दो पहले ही, पहले मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आपको एकदम शानदार नंबर लेके आना है। नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं, हमको बस इतना ही चाहिए, ठीक है, इतनी सी डिमांड है, तो वही डिमांड मैं आपकी पूरी करने वाला हूं। हम इसको एकदम शानदार तरीके से लर्न भी कर चलेंगे, एंड आपने क्लास में जब मेरे साथ लर्न और समझ लिया, देन घर पे जाके आपने बस इसको रिवाइज और रिकॉल करके चलना है। इसके लिए भी मैं आपको क्लास के एंड में एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको एकदम शानदार तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, ताकि चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहे। एंड दिस विल बी द हाईलाइट ऑफ द बैच, दैट इज द क्लास टेस्ट। कितने सारे टेस्ट दिया आपने क्लास टेंथ में, कितने सारे टेस्ट दिए आपने क्लास ट्वेल्थ में? सर कब दिए? जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स थे, क्योंकि आपको रिजल्ट से फर्क पड़ता था। यहां पे एक बात बताओ, कितने बच्चों को सीए इंटर के रिजल्ट से फर्क पड़ता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर रिजल्ट? बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स। अगर आपको अपने रिजल्ट की थोड़ी चिंता रहेगी तो आप सुबह टाइम से उठ के क्लास में आओगे, तो जो मैं बातें आपको कहूंगा होमवर्क को करने के लिए, आप वो होमवर्क करके आओगे अच्छे से, ठीक है, जो क्लास टेस्ट होंगे उनको आप टाइम पे दोगे, तो उससे फर्क पड़ता है। मुझे बताओ आप में से किसको रिजल्ट से फर्क पड़ता है? यस सर, मुझे पड़ता है, मी 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 मी, वेरी वेरी गुड, पढ़ना भी चाहिए, आप ही का रिजल्ट है, ठीक है, पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने रिजल्ट से फर्क पड़े, एंड अल्टीमेटली अगर आपने ये मेरी बात मान ली, आपने समय से शिद्दत के साथ क्लास टेस्ट दे दिए, आप मेरे से अभी लिखवा लो, आपके ऑडिटिंग में एकदम शानदार नंबर आने वाले, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर गिविंग द टेस्ट ऑन टाइम, जैसे जैसे टेस्ट शेड्यूल होंगे आपको पता चलता जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब आता है सर नेक्स्ट पॉइंट, एक बात बताओ, डाउट सपोर्ट कैसे रहेगा? हमारे मन में जो भी डाउट्स आते हैं, शिकवा आते हैं, मतलब ठीक है लाइव बैच में तो लाइव के डाउट्स तो हम ले लेंगे, बट घर पे मानो आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, MCQs कर रहे हो, उस वक्त अगर आपको कोई डाउट आता है, तो जो लाइव के बच्चे हैं वो हम सब एक WhatsApp ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, राइट सर, उसी WhatsApp ग्रुप में आप अपने डाउट्स लिखिए, मैं नहीं तो कोई और बच्चा, हम सब मिलके आपके डाउट सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है सर। नॉट टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डेड पीपल, जितने भी रिकॉर्डेड पीपल हैं, चाहे वो अपना लेक्चर मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी ईमेल चेक करो, वहां पे आपके पास एक लिंक आया होगा, उस लिंक में आपने अपनी बस ऑर्डर की डिटेल्स डालनी है, वहां पे आपके पास लेक्चर्स का भी लिंक आ जाएगा, और नीचे, जी हाँ, थोड़ा सा बस नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करके आना है, वहां आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, वहां आप और मैं रूबरू होंगे, जो भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजोल्व ऑल योर डाउट्स डेली विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स, तो उसमें भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न, जिसके बारे में आई थिंक आप सब जानना चाहेंगे। सो पेपर के बारे में अगर मैं बताऊं, सो द पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, जी हां, पूरे के पूरे 100 नंबर एलोकेटेड है ऑडिट के सब्जेक्ट को, और इस 100 नंबर में अगर मैं आपको बताऊं पैटर्न के बारे में, 70 मार्क्स आर फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एंड 30 मार्क्स फॉर योर MCQs। अब सर आप बताओ, डिस्क्रिप्टिव और MCQ के लिए हमको तैयारी क्या करनी है? सेम तैयारी करनी है, डिट्टो डिट्टो तैयारी करनी है, यानी जो क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में, उसमें से MCQ भी आ सकता है, जो हम MCQs करेंगे उसमें से डिस्क्रिप्टिव बन के आ सकता है, तो जो हम क्लास में प्रिपरेशन करेंगे, यानी आपके पास में एक नोट्स आएंगे, एकदम शानदार वाले प्यारे प्यारे नोट्स आएंगे, ये नोट्स के साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगी, जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और MCQs होंगे। इन सब 3 चीजों को अगर हमने कर लिया, नोट्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और MCQs, कोशिश करेंगे ये तीनों चीजें हम क्लास में ही खत्म करके चले,
अगर आपकी ये तीनों चीजें हो जाती है तो आपकी इन दोनों एरियाज में नैया पार लग जाएगी। बिकॉज हमने स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चन थे, आरटीपीज एमटीपीज यही बोलते होंगे ना आपके पुराने टीचर्स भी, जिनसे आप अभी ग्रुप 1 पढ़ के आए हो, कि भाई साहब आरटीपी करना बड़ा जरूरी है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है, एमटीपी करना बड़ा जरूरी है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर लिए, इवन आईसीआई के जितने भी एमसीक्यूज थे, एमटीपी आरटीपी और ये जो केस स्टडी सिनेरियो वाली बुकलेट है, सबको इकट्ठा करके आई हैव ब्रॉट देम इन सिंक। मैंने इनको चैप्टर वाइज आपके लिए डिवाइड कर दिया है, ताकि जब भी हम यहां पे कोई चैप्टर खत्म करें, आप इसको आराम से घर बैठे बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सको। ठीक है, सो दिस इज हाउ द पेपर पैटर्न विल लुक लाइक। 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 30 मार्क्स के एमसीक्यू, और इसमें कुछ भी मजेदार एक्स्ट्रा बात नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। क्लास में आपने एकदम शांति से बैठना है, मोबाइल फोन अगर भी आपके हाथ में है, Until and unless आप उसी पे लेक्चर देख रहे हो तो उसको साइड रख दो, प्लस सिट विद अ रजिस्टर एंड अ पेन, सिट विद अ वाटर बॉटल, और सारे बच्चे अब मेरे साथ पानी का एक एक घूंट लगाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या आप सब एक्साइटेड हैं ऑडिट पढ़ने के लिए? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, और फटाफट मुझे ना अपनी लोकेशन भी बताओ, कहां से आए हो आप सब, जल्दी से बताओ। Come on. Set the chat box on fire. Yes, people. कहां से हैं आप सब? अरे बाप रे, अरे 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 अरे, इंदौर, केरला, आसनसोल, गुजरात, मुंबई, सुपर एक्साइटेड सर। और बताओ, सुल्तानपुर, अरे सुल्तान, क्या बात है। अमरावती, गाजियाबाद, अरे यार गाजियाबाद तो तुम तो पास में ही रहते हो, तुम तो यहीं आ जाया करो। दिल्ली, बहुत बढ़िया सर। नजफगढ़ से तो हमारे वो भी है ना, वीरेंद्र सहवाग सर। गुजरात, दिल्ली, क्या बात है, दिल वालों की दिल्ली से भी कई सारे बच्चे आए हैं। सर आपके घर के पास ही रहते हैं, क्या बात कर रहे हो। जयपुर, नागपुर, दिल्ली, हरियाणा, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, ग्रेट। चलो, यस सर, एक्साइटेड फ्रॉम राजस्थान, क्या बात है। फरीदाबाद, सहारनपुर, बहुत बढ़िया। आई थिंक हमने यहाँ पे मिनी इंडिया बना लिया, मिनी इंडिया। ऑडिट बैच नहीं है ये, मिनी इंडिया बैच है। जयपुर, क्या बात है। यूपी, पुणे, हैदराबाद, ऑसम। सो दोस्तों, यस सर, अब हम स्टार्ट करने वाले अपना सीए इंटर का ऑडिट बैच, एंड कोलकाता, बेंगलोर, बहुत बढ़िया यार। आ जाओ, अब सारे इधर आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द बैच, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट का नाम क्या, सर इस सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। क्या यही हमारे सब्जेक्ट का नाम है? हाँ सर, हाँ, यही हमारे सब्जेक्ट का नाम है। कि आपने क्या करना है सर, आपने सबसे पहले ऑडिट करना है, और उसके बाद जिसको आपने रिपोर्ट दी उसको आपने क्या दी, एक अश्योरेंस दी कि भाई हां, जो चीज मैंने चेक करी वो ठीक है। तो ऑडिटिंग होता क्या है, और प्लस हम किस चीज का ऑडिट करने वाले, पहले तो ये बताओ सर। तो ऑडिटिंग का मतलब है चेक करना। क्या मतलब है चेक करना सर? क्या चेक करना है, किस चीज का ऑडिट कर रहे हैं? तो मार्केट में ढेर सारे तरह के ऑडिट होते हैं, बड़े सारे तरह के ऑडिट होते हैं। इंटरनल ऑडिट होते हैं, जिसमें आप इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत हैं कि नहीं। और बताओ सर, टैक्स ऑडिट होता है, उसमें आप क्या करते हो सर, आपने जो इनकम टैक्स पढ़ा है ना, चेक करते हो क्लाइंट ने ठीक से कैलकुलेट किया है कि नहीं। ऐसा नहीं होता टैक्स ऑडिट। कई बच्चों को लगता है टैक्स ऑडिट का मतलब है टैक्स कंप्यूटेशन चेक करना। नहीं, आप डिपार्टमेंट के लिए टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो अपने क्लाइंट से, वो टैक्स ऑडिट होता है। कुछ ऐसे ही ढेर तरह के ऑडिट होते हैं, एनवायरमेंटल ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, ऑपरेशनल ऑडिट होता है, एनर्जी ऑडिट होता है, बड़े सारे तरह के ऑडिट होते हैं। क्या सारे ऑडिट हमको पढ़ने हैं? ना रे बाबा ना। तो सर क्या पढ़ना है हमने, चेक करने हैं हमने, पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। किसका ऑडिट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हमको पढ़ना है। यानी कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं हमें उनको ऑडिट करना है,
हमें उनको चेक करना है, और जो कंपनी के ओनर्स हैं, फिर से सुनना मेरी बात, जो कंपनी के ओनर्स हैं हमें उनको रिपोर्ट इश्यू करके ये बताना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चकाचक हैं। क्या सर ऐसा ही बताना है? हां भाई हां, यही बताना है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चकाचक है। चकाचक को अंग्रेजी में ये बोलते हैं, वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू देते हैं कि नहीं, इसी के बारे में बस आपने ओपिनियन देना है, इतनी सी बात है ऑडिट। अब मन में एक सवाल उठा, सर मन में क्या सवाल उठा ध्यान से बताना, हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? तो अगर मैं आपको एकदम बेसिक रीजन दूं तो मैं तो यही बोलूंगा, कंपनी लॉ ने कहा है। आपका जो कंपनी लॉ है उसका सेक्शन नंबर 139 कहता है हर कंपनी को अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। बट अब सवाल ये उठता है, ये भी ऐसा क्यों कहता है? पूछो ना कि सर ये ऐसा क्यों कहता है, तो ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ये शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी ओनर्स अलग होते हैं, एंटिटी अलग होती है, कंपनी को मैनेज करने वाले अलग होते हैं, कंपनी में पैसा लगाने वाले अलग होते हैं। तो अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, उसकी मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजमेंट है वो तो कोई और लोग कर रहे हैं, पर अगर मैं बोलूं कंपनी में पैसा किसने डाला है, वो पैसा किसने डाला है? सर वो पैसा डाला है बहुत सारे लोगों ने, यानी ऐसे लोगों ने जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, खासकर अगर मैं लिस्टेड एंटिटी की बात करूं। तो ये लोग चेक करना चाहते हैं कि इन्होंने इस कंपनी में जो पैसा डाला और इस पैसे को यूज करा किसने? मैनेजमेंट ने। तो जब मैनेजमेंट इनके सामने क्या लेके आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनको डर है, इनको क्या है, इनको क्या है सर, इनको डर है कि कहीं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गड़बड़ तो नहीं। क्या डर है? कहीं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गड़बड़ तो नहीं। उसी डर को दूर भगाने के लिए ये क्या करते हैं, इसी गड़बड़ का जो इनको डर है इसको दूर भगाने के लिए दे अपॉइंट अ पर्सन जिसका नाम होता है ऑडिटर। ये बोलते हैं कि ऑडिटर तुम आओ और चेक करो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हमको बताओ वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। यानी आपको कौन अपॉइंट करेगा, मैनेजमेंट या फिर शेयर होल्डर? सर शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। एक सवाल पूछूं आपसे बिफोर इवन टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट, मैं आपसे कॉन्सेप्ट निकलवाना चाहूंगा, क्या आप सब मुझे बताओगे? हाँ सर हम आपको बताएंगे। एक बात, ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है ऑडिटर, क्या ये मैनेजमेंट से मिला हुआ होना चाहिए? सोच के बताओ, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए, या फिर ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी? यानी ये जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे व्यू देने आया है, ये ऑडिटर इनसे और इनसे मिला हुआ होना चाहिए, ओनर से और मैनेजमेंट से, या फिर ही शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दीज पार्टीज? सबने बिल्कुल सही बोला, सर नहीं, कैसी कैसी बातें कर रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट होके, ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कैसा हो हमारा ऑडिटर? सर हमारा नेता कैसा हो? हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। अरे अगर मिला हुआ होगा, अगर ये मिला हुआ होगा तो क्या ये अपना ओपिनियन ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट कर पाएगा? ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब है सर? अनबायस्ड, फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या ये ऑब्जेक्टिवली अपना ओपिनियन दे पाएगा? नहीं, इनकी बातों में आके गलत ओपिनियन देगा। तो आपने बिल्कुल सही बोला, ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये बात आखिरी क्लास तक चलेगी, हर चीज में एक ही एलिमेंट आएगा, हमारा ऑडिटर कैसा हो? सर हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले आई होप आपको ऑडिटिंग का मतलब समझ आ गया कि सर ऑडिटिंग का मतलब कुछ नहीं है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करनी है कि क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं। बेसिक सी बात आपने बस समझनी है और कुछ भी नहीं है।
दूसरी एक बात बताओ, हमारा ऑडिटर कैसा हो सर? हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। क्यों होता है ऑडिट, ये भी आपको पता चल गया। इन शेयर होल्डर्स को डर है, इन शेयर होल्डर्स को डर है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनमें गड़बड़ है, तो इसी डर को दूर भगाने के लिए इन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट किया। ठीक है, अब सर मजे की बात, आपके सीए इंटर में आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो सर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े? आपने अकाउंटिंग पढ़ा, आपने इसके बाद लॉ पढ़ा, फिर आपने टैक्सेशन पढ़ा, फिर आपने एडवांस अकाउंट्स पढ़ा। ठीक है, आप तो पढ़ते ही जा रहे हो, मतलब खत्म ही नहीं हो रही पढ़ाई। ठीक है, ईआईएस एसएम पढ़ा, फिर उसके बाद आप एफएमई को देखोगे। इन सारे सब्जेक्ट्स में, ये जो इतने सारे आपने सब्जेक्ट्स करे, इन ये सारे एक तरफ और ऑडिटिंग एक तरफ, क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा ऐसा क्यों? क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा ऐसा क्यों? सर जी ये लिखना भी है, ये सारे नोट्स ना मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी आप बस मेरी बात सुनते जाओ। जो बात लिखवानी होगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी आप बस मेरी बात सुनते जाओ और समझते जाओ। बच्चा कह रहा है सर कॉस्टिंग को मत भूलो, वो तो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओ माय गॉड, चलो कॉस्टिंग को भी लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट एक तरफ और ऑडिटिंग एक तरफ क्यों? पहला रीजन, इन सब सब्जेक्ट्स में जो आप सीखोगे, इन सब सब्जेक्ट्स में जो आप सीखोगे, ये आपको यहां पे काम आएगा, ये आपको यहां पे काम आएगा, यानी यू विल अप्लाई दिस इन ऑडिटिंग, आप इसमें अप्लाई करके चलोगे। दूसरी चीज, नालायक बच्चा कह रहा है ऑडिटिंग में सबसे कम नंबर आते हैं इसलिए ऑडिटिंग अलग, ऑडिटिंग में तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, तुम मेरी बातें सुनते चलो और समझते चलो, ऑडिटिंग में तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। कह रहे हाँ ये हुई ना, एक तो नाम इतना बढ़िया, मैं आपको बीआर बोलूंगा। ठीक है, इतना बड़ा नाम है बरकतुल्ला रबानी, मैं आपको बीआर बोलूंगा। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा बड़ा नाम लूंगा ना तो हमारा ऑडिट का जो बैच है 120 आर्ट से सीधा 200 आर्ट पे पहुंच जाएगा, तो मैं आपको बीआर बोलूंगा। वेरी गुड बीआर, ऑडिटिंग में ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज है ऑडिटिंग में सीए के पास एक्सक्लूसिव राइट है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भाई हाँ, एक्सक्लूसिव राइट है सर। एक्सक्लूसिव राइट का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है कि इनके अलावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा, ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। यानी अकाउंटिंग आप किसी से भी करा लो, सिर्फ बीकॉम पास बच्चे से करा लो वो भी अकाउंटिंग करेगा। लॉ की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनका प्रोफेशन ही लॉ का है, वो लॉ को बहुत अच्छे से आता है। एडवोकेट्स हैं उनको लॉ बड़ा अच्छे से आता है। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, कोई भी बंदा टैक्सेशन कर सकता है, उसने अगर आईपीसीसी तक भी पढ़ रखा है या बीकॉम ऑनर्स भी कर रखा है, वो भी अपनी टैक्स की प्रैक्टिस चला सकता है। टैक्स में क्या है? फिर आती है एडवांस अकाउंट, वो भी अकाउंटिंग की तरह। एफएम इको की बात कर लो, कॉस्टिंग की बात कर लो, ईएएस सेशन की बात कर लो, जितने भी एमबीएस हैं वो सब ये काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको आपसे, उनसे अच्छा ईआईएस किसी को आता ही नहीं होगा। तो इकलौता एक ऑडिटिंग ऐसी चीज है जहां पे आपके पास जीरो कॉम्पिटिशन है फ्रॉम द अदर प्रोफेशन, मोनोपोली है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो आप बोल सकते हो दिस इज द मोस्ट स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ योर सीए इंटर ऑडिट, इसमें आपके पास पूरी की पूरी मोनोपोली है। तो मेरे दोस्त, ये है एक सब्जेक्ट जहां पे आपको किसी का डर ही नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने यहां पे ये चीज सीख ली, इसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही हैं जिसको अथॉरिटी मिल रखी है कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप चेक करके बताओ ठीक है कि नहीं। अगर आप बोलोगे ठीक है तो गवर्नमेंट भी मानेगी, अगर आप बोलोगे ठीक है तो बैंक्स भी मानेंगे, अगर आप बोलोगे ठीक है तो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, वो भी मान जाएंगे। यानी सिर्फ आपके कहने पे पूरा इंडिया मान जाता है, पूरा इंडिया एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ठीक है, एकदम चकाचक है। तो हुआ स्पेशल सब्जेक्ट। एंड मैं आपको बता रहा हूं यार, कौन कहता है ऑडिटिंग में कम नंबर आते हैं? मैं अपने नंबर आपको बता देता हूं, इंटर में आए 66 मार्क्स, फाइनल में आए 71 मार्क्स। जनरली बच्चों के फाइनल में नंबर कम होते हैं, मेरे फाइनल में नंबर बढ़ गए, जस्ट बिकॉज आई न्यू कि ऑडिटिंग को पढ़ना कैसे। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बना लो, ऑडिटिंग कुछ नहीं है, सबसे आसान सब्जेक्ट है दुनिया का। दूसरा,
जैसे जैसे मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूं, बस इनको सुनते जाओ और मेरे साथ अप्लाई करते जाओ. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू. लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ सीए इंटर ऑडिटिंग. आई होप ये नोट्स आपके पास मैंने कल दे दिए थे, ये आपके पास रहेंगे. जो जो मैं बताता जाऊं सुनते जाना, जहां मैं बोलूं लिखने के लिए वो आप लिखते जाना. नाउ फोकस हियर, मुझे आपका अटेंशन चाहिए नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए. एवरीवन, एक खजूर इधर देख, इधर देख, इधर देख, कहां देख रहे हैं? हाँ, इधर देखो, इधर देखो, मोबाइल फोन को साइड में रखो, इधर देखो. हाँ, गुड 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 गुड. अब इधर आओ. सबसे पहला सवाल, स्टूडेंट्स वॉन्ट टू नो वॉट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट. सिंपल भाषा में बोलूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, फिर से सुनना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट इज फाइनेंशियल ऑडिट. यानी इसको इन्होंने किस तरह से लिखा, ध्यान से समझेंगे. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. क्या ये बात मैंने बताई या आप सबने मेरे को बताई? सर, आपने मेरे को बताई. किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह इन्होंने लिखा ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अरे सर, किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? पूछो ना, बोलो, इसकी, किसकी, कौन, विस्की? सर, किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? मैंने कहा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी. सर, एनी एंटिटी का क्या मतलब है? कोई सी भी एंटिटी, भले ही वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो. यानी अगर मैं बात करूं रिलायंस की, सर रिलायंस क्या चाहता है? ढेर सारा प्रॉफिट कमाना. और अगर मैं बात करूं किसी एनजीओ की, तो एनजीओ क्या करना चाहता है? ढेर सारे लोगों का भला करना. तो अल्टीमेटली तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, बट क्योंकि तुम एक एंटिटी हो, तुम्हारा ऑडिट यही करेगा. प्लस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म. यानी फर्क नहीं पड़ता आपका साइज क्या है, आप छोटी कंपनी हो, आप बड़ी कंपनी हो, आपके लीगल फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता. आप हो सकता है एक पार्टनरशिप फॉर्म हो, एक सोल प्रोप्राइटर हो, आप एक LLP हो, आप एक कंपनी हो, कोई भी लीगल फॉर्म हो सकता है. सारी एंटिटीज के ऑडिट को यहां पे हमने कवर किया. एंड लास्ट पॉइंट इज, हम इस एग्जामिनेशन को कर क्यों रहे हैं? सर, दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन. आप आखिरी में देखे क्या जाओगे यार? आपने ऑडिट किया, किसका किया? बोलो ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. यार देखो, तुम बोलोगे नहीं ना तो इकट्ठी इकट्ठी हो जाएगी, फिर मैं आपको इकट्ठी कर दूंगा, फिर हमारी दोस्ती खत्म. आप जल्दी से बताओ क्या है ऑडिट? सर, इट इज एन एग्जामिनेशन. नहीं, क्या बोल रहे हो, कैसी बातें कर दी? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. बोलो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. अरे किसकी एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी. अब एंटिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे, कैसी एंटिटी? बोलो, ऑल एंटिटी, भले ही प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव, फर्क नहीं पड़ता ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म. भले ही छोटी एंटिटी हो या बड़ी एंटिटी हो, भले ही फर्म हो, भले ही कंपनी हो, कोई सी भी एंटिटी हो, हम ऑडिट करेंगे. अरे क्यों करोगे? ताकि हम अपना ओपिनियन दे सके, ताकि हम अपना ओपिनियन दे सके. व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन. सारे बच्चे अभी मेरे साथ ये डेफिनेशन को याद करेंगे. सर, सबसे पहले आप बोलो व्हाट इज फाइनेंशियल ऑडिट. तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, क्या करते हो आप? चेक करते हो. चेक मतलब एग्जामिनेशन. किसकी एग्जामिनेशन? पहली बात तो जब एग्जामिनेशन बोलो, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव लगा देना. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, बोलो मेरे साथ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ द एंटिटी. फिर एंटिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड द लीगल फॉर्म. हमको फर्क नहीं पड़ता ये छोटी एंटिटी है या बड़ी एंटिटी है, ये कंपनी है, ये फर्म है, ये LLP है, नहीं फर्क पड़ता. क्यों कर रहे हैं ऑडिट? लास्ट में बस ये बता दो, with a view to express an opinion thereon. yani when this examination is conducted with a view to express an opinion thereon. aakhri mein to aapne apna opinion hi deke chalna hai. jaldi se batao kya ye definition sabko clear hai? fir se ek baar mere sath bolte hain, audit kya hai? independent examination. agla na question hi aapke dimag mein aana chahiye. agla question aapke dimag mein aise strike karna chahiye, what is auditing? chalo mere sath likho.
आओ मेरे साथ लिखो इसको, व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या है? सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, सर इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यही आपका कीवर्ड है। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सवाल उठता है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी है? ऑफ एन एंटिटी, फिर यहां पे ब्रैकेट डाल दो और लिखो ज्ञान। सर ज्ञान का क्या मतलब है? फर्क नहीं पड़ता ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, ये छोटी है या बड़ी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। एंड हम कर क्यों रहे हैं? Why? Why are we doing the audit? To express an opinion thereon. आप अपना opinion देना चाहते हैं कि ये जो financial information है, ये जो financial statements है, ये true and fair view देते हैं या नहीं। फटाफट एक बार इसको note down करो और मुझे chat box। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ऑडिटिंग की बेसिक समझ आए? हाँ सर बेसिक समझ आए। अब सवाल उठता है, अब हम एक पार्ट को पकड़ लेते हैं। सर क्या पार्ट है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर इंडिपेंडेंस के बारे में ना और बताओ। तो भारत देश, हमारा जो भारत देश है 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। सर क्या कर रहे हो? इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के बारे में बताओ। तो आओ ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्या है सर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस? इसके बारे में हमको पता चलेगा यहां से। आओ 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 आओ, आओ, आओ। दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। इनको आप यह भी कह सकते हो, दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कहीं ना कहीं अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इफ दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, हम मानेंगे कि एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। सर सबसे पहला एलिमेंट क्या है? आप ना, मैं अभी वही बोल रहा हूं, मेरे साथ बस चीजों को सुनते जाओ, समझते जाओ, याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आखिरी में हम सारी चीजें याद कर लेंगे। नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या बातें कर रहा है। ये बेसिकली वही बातें जो आप अपने पार्टनर में भी ढूंढते हो। सर सबसे पहली बात क्या है? इंटीग्रिटी। कैसा पार्टनर चाहिए सर आपको जिंदगी में? हमको सर ऐसा पार्टनर चाहिए जो एकदम सच्चा हो, बिल्कुल भी झूठ ना बोले, बिल्कुल भी अटपटी बातें ना करे, सच्चा अच्छा इंसान चाहिए। तो क्या ऑडिटर को भी एकदम सच्चा और अच्छा इंसान होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। तो यही ये बात बोल रहा है, ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। घुमा घुमा के जलेबी की तरह बातें बोलने में मजा कहां है? सीधा सीधा बोलो ना मन में क्या है, सीधा सीधा बोलो मन में क्या है। अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है तो लिखो, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो, घुमा घुमा के क्या बोल रहे हो। तो ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही शुड बी ऑनेस्ट। अगर गड़बड़ है तो बोलो गड़बड़ है, ये तो मत बोलो कि गड़बड़ नहीं है। अगर आप बोलोगे गड़बड़ नहीं है तो भाई साहब बैंड बज जाएगी ना शेयर होल्डर्स की, वो तो आप पे रिलाय करके चल रहे हैं। तो यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, हमारा ऑडिटर कैसा हो? सर इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट में भी सबसे पहले उसमें क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए। एंड इंटीग्रिटी का मतलब है सच्चा इंसान, सच्चा यानी ऑनेस्ट। ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल द प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। जो भी उसकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है, जो भी उसकी बिजनेस रिलेशनशिप्स है, उसमें मेरा भाई, मेरा ऑडिटर कैसा हो? सर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट हो, जलेबी की तरह बातों को ना घुमाए, जो कहना चाहता है कह दे, दिल की बात सामने रख दे। इट इंप्लाइज, इसका भी क्या मतलब है? इसको उन्होंने और समझाया, कहता है ऑनेस्टी का मतलब है
ये फेयर डीलिंग करे। फेयर डीलिंग का मतलब है दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा ना था। तो ये कहता है ये ऑडिटर धोखाधड़ी ना करे। ही शुड बी इंप्लाइड इन फेयर डीलिंग, बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं करनी। और ऑनेस्टी का मतलब है ट्रुथफुलनेस का साथ दे। यानी सर कितना यानी है, मैं क्या करूं यार, ये यानी ही तो गेम है। यानी यानी करके याद रखेंगे ना, यानी यानी करके याद रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी ही शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी रिपोर्ट, रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस और अदर इंफॉर्मेशन विच ही बिलीव। वो जानता है कि उसमें क्या है सर, उसमें मटीरियली फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत बात लिखी है या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। सर मिसलीडिंग का क्या मतलब है, सामने वाले को गुमराह करना। गुमराह करने का क्या मतलब है, आपने सीधा सीधा नहीं बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, आपने बोला कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तो लग रहे हैं पर इतने ठीक नहीं लग रहे। इतने ठीक का क्या मतलब है, सीधा बोलो गड़बड़ है। ये कौन सा तरीका हुआ, इतने ठीक नहीं है उतने ठीक नहीं है। तो आप मिसलीडिंग स्टेटमेंट भी मत दो या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स मत दो जो आपको लग रहा है आपने रेकलेसली दिए हैं। सर रेकलेसली का क्या मतलब है, विदाउट ड्यू प्रोसीजर्स। यानी जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स करने थे वो प्रोसीजर्स करे बिना आपने अपना ऑडिट कर दिया और अपना ओपिनियन देके आ गए, तो ये चीज भी आपने नहीं करनी। एंड लास्ट पॉइंट इज ओमिटिंग एनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वेयर सच ओमिशन कुड बी मिसलीडिंग। तो बचपन में अंग्रेजी वाली जो टीचर होती थी सर, वो हमको क्या पढ़ाती थी, एरर्स एंड ओमिशंस। याद है बचपन में आप इसका एक टेस्ट करते थे एरर्स एंड ओमिशंस का, पांच लाइनें दे रखी होती थी, उसमें आपने बताने थे पांच एरर क्या है, पांच ओमिशंस बताने होते थे। तो बेसिकली आप जो भी रिपोर्ट देंगे आप उसमें एरर्स और ओमिशन नहीं देंगे। यानी अंग्रेजी वाली टीचर जो आपको सिक्स्थ और सेवन्थ में चीज सिखा रही थी वो अब आपको सीए में अप्लाई करनी है। जब भी आप एज अ ऑडिटर कोई रिपोर्ट दो उसमें कोई गलती मत करो। सर गलती का क्या मतलब है, कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देना, कोई भी एरर नहीं करना यानी मटेरियली फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना, कोई ओमिशन नहीं करना, ये सारी बातें आपने नहीं करनी। अगर आपने ये सारी बातें नहीं करी हम मान लेंगे आपके अंदर क्या है, इंटीग्रिटी है। तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब है सर, इंटीग्रिटी का मतलब सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, सर इंटीग्रिटी का मतलब है सच्चा अच्छा इंसान। सच्चा अच्छा इंसान यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जलेबी की तरह बातों को नहीं घुमाता, प्लस ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए उस बंदे में। क्या होनी चाहिए, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए। ही विल नॉट एसोसिएट विथ एनी स्टेटमेंट, रिपोर्ट और रिटर्न। बेसिकली जो भी एक बंदा एक सीए इशू करता है वो नहीं एसोसिएट करेगा ऐसी स्टेटमेंट से जो फॉल्स है या फिर उसमें कोई ऐसी चीज है जो मिसलीडिंग है, गलत तो नहीं है बट सामने वाले को गुमराह कर रही है, या फिर उसमें जो चीजें लिखी होनी चाहिए वो लिखी ही नहीं है, इट इज ओमिटिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड उस ओमिशन की वजह से वो मिसलीडिंग हो जाता है। उस ओमिशन की वजह से वो मिसलीडिंग हो जाता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यहां पे आपने देखो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है सबसे पहले तो इसका समझ लो। हाँ मैं समझ गया। यहां पे वॉइस आ रही है, आई गॉट इट। हेलो।
सॉरी फॉर द वॉइस इशू। तो दोस्तों क्या करना था, हमको कुछ नहीं करना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना चाहिए हमारा बंदा। इसका क्या मतलब है, फेयर डीलिंग करेगा, ट्रूथफुलनेस मेंटेन करेगा। यानी ये तीन चीजों उसकी रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, कोई मिसलीडिंग बात नहीं होनी चाहिए, या और कोई बात छुपाई नहीं होनी चाहिए। ओमिटिंग करना भी मिसलीडिंग हो सकता है, तो ये आप जल्दी से ना इसका एक समरी ड्रॉ कर लो ताकि आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक मिनट लो, फटाफट ड्रॉ करो और मुझे कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे सब बच्चे एकदम शानदार तरीके से, बोल बोल के करना ताकि तुम्हारी एनर्जी बनी रहे। Come on, everyone. यहां पे ना लिख लो, तुमको हमेशा याद रहेगा, सच्चा अच्छा। Done, boss. Done, Janardan, done. बढ़े आगे. Yes, sir. Integrity आई समझ में। इंटीग्रिटी का मतलब है सच्चा अच्छा इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सच्चे का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ट्रूथफुलनेस आ गई, ठीक है सर, फेयर डीलिंग करेंगे एंड कोई भी रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं छोड़ेंगे। अब आता है सर सवाल ऑब्जेक्टिविटी का, यानी आपका ओपिनियन इज ही का ओपिनियन। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ भाई हाँ, यही मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी का। आपका ओपिनियन इज आप ही का ओपिनियन, यानी जो बात आप कह रहे हैं वो आप उसमें खुद बिलीव करते हैं, किसी के कहने पे नहीं कह रहे, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आके नहीं कह रहे। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। सर प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है जो भी आप डिसीजंस लेते हैं एज एन ऑडिटर, जो भी आप डिसीजंस लेते हैं एज एन ऑडिटर वो आप ही के डिसीजंस होने चाहिए। इनको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ बायसनेस, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। किसी और के बहकावे में आना इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है, वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, कि अगर कंपनी के खुद का मैं ही शेयर होल्डर हुआ, जिस कंपनी का ऑडिट मैं कर रहा हूं अगर मैं उसी का शेयर होल्डर हुआ तो मैं कंपनी के प्रॉफिट्स ज्यादा दिखाना चाहूंगा कम दिखाना चाहूंगा। सर ज्यादा दिखाना चाहोगे तो मेरा कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड इसी वजह से अगर आपने लॉ पढ़ी है तो बोला जाता है कि ऑडिटर का कंपनी में एक रुपए का भी शेयर नहीं होना चाहिए। क्या आपको यह बात याद है, आप लॉ में पढ़ के आए हो। जब आप लॉ में सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ रहे थे तो आपके लॉ वाले टीचर ने पक्का आपको यह बात बताई होगी कि अगर शेयर होल्डर बन जाता है ऑडिटर, यानी ऑडिटर का कंपनी में एक रुपए की भी शेयर होल्डिंग है तो वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। क्यों बोल रहे थे वो, काहे उनका मन किया ये सब बताने का? सर क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इसलिए उन्होंने आपको ये बात बोली। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो या फिर बायसनेस हो, बायसनेस भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही है, ठीक है। तो बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को साथ साथ लेके चलो, आपकी खुद की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। प्लस खुद का तो हो गया, ठीक है, ये खुद का तो ठीक है सर, खुद की बायस, खुद का अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी और का अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए। किसी और का अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात आपने समझनी है, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बच्चे ने कहा सर रिलेटिव में भी फेस वैल्यू होती है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि रिलेटिव के लिए उन्होंने कितना अलाउ किया था। सर रिलेटिव के लिए उन्होंने अलाउ किया फेस वैल्यू अप टू 1 लाख इन दैट कंपनी। जिस बच्चे को याद नहीं आ रहा, ये सेम चीज हम ऑडिट में भी पढ़ने वाले, तो घबराना मत। तो अगर रिलेटिव का शेयर ज्यादा होगा,
अगर रिलेटिव का शेयर ज्यादा होगा कंपनी में तो वो भी तो आपके लिए अनड्यू इन्फ्लुएंस बन सकता है। क्या ये बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? खुद का इंटरेस्ट होगा तो खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रिलेटिव का इंटरेस्ट होगा तो उसका अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ऑडिट में एग्जेम्पशन चाहिए बस इतना बोलो, ऑडिट में एग्जेम्पशन चाहिए बस इतना बोलो। क्या ये बात समझ आई? खुद का शेयर होगा तो खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बैठेगा, खुद की बायसनेस आएगी, और रिलेटिव का शेयर होगा तो अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगी। तो कंपनीज एक्ट वाले इतने शानदार लोग हैं कि सिर्फ आपको तो डाला, आपके रिलेटिव को भी साथ में डाल दिया। कहते रिलेटिव का शेयर होगा तो इस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डालेगा, फिर ये ऑडिट की बैंड बजा देगा। तो उन्होंने कहा अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी ध्यान में रखो। सब बच्चों ने कहा यस, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गॉट इट सर। ऑब्जेक्टिविटी भी हमको समझ आई कि हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी? डिसीजन मेकिंग, उसको ऑडिट की भाषा में क्या कहते बताओ जरा, सारे बच्चे जरा चैट बॉक्स में मेरे को बताओ ना कि ऑडिट की भाषा में हम जो ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनल ही तो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज क्या प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट। क्या बोलते हैं सर? जो भी आप डिसीजन लेते हो एज एन ऑडिटर उसको क्या बोलेंगे, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं। वो प्रोफेशनल जजमेंट आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, खुद की बायसनेस से, खुद के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से और दूसरे के अनड्यू इन्फ्लुएंस से। आई होप दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर। अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आना भी तो चाहिए आपको, ऑडिट करना आना भी तो चाहिए, यानी आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनपे क्या चलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एकदम शानदार नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज होगी तभी तो चेक करोगे कि सामने वाले ने काम ठीक से किया है कि नहीं। तो यू शुड बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, प्लस आप अपने आप को अपडेट करके चलो। सर अपडेट का क्या मतलब है? रोज नई अमेंडमेंट आती है, रोज कोई अमेंडमेंट आती है, कल एएस रिवाइज हो गए, कल इंड एएस रिवाइज हो गए, परसों कंपनी लॉ रिवाइज हो गया। हम अमेंडमेंट से डरते क्यों हैं? हमें अपनी नॉलेज अपडेट करती रहनी चाहिए ताकि जैसे हम अपनी नॉलेज अपडेट करें वैसे हम रेलिवेंट हो जाए विद द करंट लॉ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। एंड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम क्लियर कर लिया प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो गए, नारे बाबा ना। उसके बाद भी जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी लॉ में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, उनको भी आपने एकदम भरपूर तरीके से सीखते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। ये बात भी आपने समझनी है। तो क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब सिर्फ अटेन करना है या फिर मेंटेन भी करना है? पतले तो हो गए, अब डाइट पे ध्यान भी देना पड़ेगा। कितने बच्चों को ये बात हिट करी? जिम जाके आप पतले तो हो गए बट अब मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना, वरना फिर दो दिन तुम राजमा चावल खाओगे, दो दिन तुम छोले भटूरे खाओगे, दो दिन तुमने फ्राइड राइस और मंचूरियन के मजे ले लिए तो फिर कैलोरीज भी तुम्हारे मजे ले लेंगी। तो तुमको सिर्फ अटेन नहीं करना, मेंटेन भी करके चलना है। तो ये बात याद रखना, attaining and maintaining professional knowledge and skill at the level which is required to render competent professional service and legislation and also to act diligently in accordance with the technical and professional standards. सर ये टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? जहां जहां स्टैंडर्ड्स की बात होती है वहां वहां टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, जो आप मेरे साथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे, इन सब के अकॉर्डिंग ही आपने काम करते चलना। तो आपने सिर्फ अटेन और मेंटेन नहीं करना, अटेन और मेंटेन तो किया, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही अपना काम करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का क्या मतलब है, आप उसको बस सिंपल सी बात बोलना, हमको अटेन और मेंटेन करके चलना है। क्या? अपनी नॉलेज एंड अपनी स्किल, प्लस वी नीड टू एक्ट Diligently, सोच समझ कर अपना काम करेंगे। कैसे? टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आई होप दीज थ्री पॉइंट्स आर क्लियर। जल्दी से बताओ हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, जल्दी से बताओ हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सर अभी तक हमने ये पढ़ा कि ऑडिटर को कैसा होना चाहिए, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कमऑन 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 एवरीवन, कम विद मी, यस गॉस, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट हो।
सर इस इंडिपेंडेंट के चक्कर में आपने हमको दो तीन चीजें पढ़ा दी कि इंडिपेंडेंट वाले ऑडिटर में क्या खूबियां होती है। सबसे पहले आपने मुझे बताया इंटीग्रिटी। सर इंटीग्रिटी का क्या मतलब था? सच्चा और अच्छा इंसान, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। इसमें हमने निकाला था कि भाई वो एकदम ट्रुथफुल आदमी होना चाहिए, फेयर डीलिंग करे, मजा आ जाएगा। ट्रू एंड फेयर, अगर आप ट्रुथफुलनेस के साथ फेयर डीलिंग मिला दो तो क्या ट्रू एंड फेयर बन जाता है? हाँ सर ट्रू एंड फेयर बन जाता है। क्या बढ़िया कॉम्बो बना दिया आपने। और बताओ ऐसी कोई रिपोर्ट के साथ इशू एसोसिएट नहीं करना जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देती है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देती है। और बताओ एंड जो ओमिट करती है जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसको। ये तो हो गया सर इंटीग्रिटी। दूसरा आपने क्या पढ़ाया सर? हमने दूसरा पढ़ा ऑब्जेक्टिविटी। अयो ये देखो ना, अयो ऑब्जेक्टिविटी। सर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है सिंपल भाषा में नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या पीजे? सर पीजे का मतलब है प्रोफेशनल जजमेंट। यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट किसके? खुद के बहकावे में। दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपनी बायसनेस, बीसी। और दूसरे का सर क्या बोलते हैं? जो दूसरे का बहकावा होता है उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। क्या ये बात जमी? हाँ सर ये बात जमी। एंड तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसमें सर हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने बेसिक बात पढ़ी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में। आपने हमको बताया कि हमको सिर्फ अटेन नहीं करना, हमको मेंटेन भी करना है। क्या मेंटेन करके चलना है? स्किल्स एंड नॉलेज, इसको हमको अटेन और मेंटेन करके चलना है। और दूसरी बात हमने ये समझी कि वी नीड टू एक्ट विद डिलीजेंस, डिलीजेंस के साथ हमको अपना काम करना है एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। डिलीजेंस और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आगे बढ़ना है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। क्या तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर है? फटाफट बताओ मुझे हाँ या ना। आर दीज थ्री पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट एक बार इसको नोट डाउन करो। क्या ये बेसिक बातें क्लियर है आप सबको? ऑल गुड, ऑल राइट। यस पीपल ऑल गुड। चले आगे। सारे बच्चे पानी के दो दो घूंट लगा लो। सारे बच्चे पानी के दो दो घूंट लगा लो। ऑल गुड है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आता है सर फोर्थ पॉइंट। अब आता है फोर्थ पॉइंट। इतने प्यारे बच्चे मेरे को पता नहीं कैसे मिल गए। सारे बच्चे एकदम चकाचक, क्या बात है। अभी बात बताओ, ठीक है, आपके दोस्त ने आपको एक सीक्रेट बताया, ठीक है, उसने बोला किसी को बताना मत। इसका क्या मतलब है कि सबको बता दो? इसका क्या मतलब है कि सबको बता दो? ऑफ कोर्स ही बात है, ये तो नॉर्मल बात है ना, दिस इज द बेसिक थिंग। जब भी आपको कोई बोले कि ये बात किसी को बताना मत, वो बात हमारे पेट में रहती कहां है? मन में यही चलता रहता है यार किसी एक बंदे को बता दे तो मन हल्का हो जाएगा। फिर आप किसी एक को बताते हो, वो एक जाके किसी और एक को बताता है, फिर ये एक 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 करके उसी दोस्त तक बात पहुंच जाती है और फिर वो आपका गला पकड़ता है और बोलता है भाई एक बात बताना जरा, तुमको जो मैंने एक बात बताई थी जो मैंने कहा था किसी और को बताना मत, वो तुमने किसी को बताई? तो तुम कहते हो एक ही बंदे को बताई थी। वो एक बंदा जा जाके सबको बता देता है और अल्टीमेटली किसकी बैंड बजती है? सर कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बज जाती है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब आप ऑडिटर बनो तो कुछ बातें आपको पेट में रखना सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, आपको पता है आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, यानी मान लो आप किसका ऑडिट कर रहे हो, आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, अंबानी जी मोटा भाई जी की जो रिलायंस है आप उसका ऑडिट कर रहे हो। इसका ऑडिट करते करते आपको पता चला कि इस कंपनी ने इस क्वार्टर में शानदार प्रॉफिट्स कमाए हैं, एकदम धुआंधार प्रॉफिट्स कमाए हैं, और आपको ये बात जैसे ही पता चली कि इस कंपनी ने ढेर सारे प्रॉफिट्स कमाए हैं, ये बात आपने अपने दोस्त को बता दी।
आपका दोस्त गया मार्केट में और मार्केट में जाके इसने पता क्या बोला, रिलायंस के जितने भी शेयर बन सकते हैं सब मेरे को दे दो, क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन बाहर आएगी, जब कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी, तो इसका शेयर कहां जाएगा सर? ऊपर जाएगा। कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो जैसे ही शेयर ऊपर जाएगा, इस बंदे ने शेयर सस्ते में खरीद रखा, ये मार्केट में क्या करेगा सर? मार्केट में बेच देगा। तो क्या किया आपने? आपने भाई साहब कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बजा दी। यानी जो इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर करी थी, ध्यान से सुनना जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर करी थी प्रोफेशनल एंगेजमेंट में, वो आपने जाके किसके साथ शेयर कर दी? अपने दोस्त के साथ। क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? दोस्त के लिए तो सही है, दोस्त तो खुश हो गया। लॉजिकली बताओ सही है या गलत है? सर गलत है, बहुत गलत है। तो इसी के लिए इन्होंने ये प्रोविजन डाला कि एज एन ऑडिटर आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, यानी जो बातें आपको कंपनी की पता चलती हैं उनको अपने पेट में रखो, उनको आप किसी और के साथ जाके ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। यू नीड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैटर्स विच यू गेट टू नो एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल एंगेजमेंट। सर एंगेजमेंट का मतलब यहां पर हम सगाई की बात नहीं कर रहे, एंगेजमेंट का मतलब है जो एग्रीमेंट एंटर हुआ है बिटवीन द ऑडिटर एंड द कंपनी, उसको हम एंगेजमेंट बोल रहे हैं। इस ऑडिट एंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो ऑडिट में आपको चीजें पता चली उसको आपने किसी और के साथ शेयर नहीं करना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर्स द ऑडिटर टू रिस्पेक्ट, इज्जत करो उन बातों की जो आपको पता चलती हैं। रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आप एक्वायर करते हो एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप्स। इतनी सी बात बस आपने ध्यान में रखनी है। लास्ट पॉइंट आ जाता है सर, लास्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल बिहेवियर, अनशंट हरकतें नहीं करनी। सर अनशंट हरकतें क्या क्या मतलब है? कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे हमारे प्रोफेशन पे डिसक्रेडिट आ जाए, डिसरिप्यूट आ जाए। जो भी ऐसी चीज हमारे प्रोफेशन पे डिसरिप्यूट लाती है, डिसक्रेडिट लेके आती है, आपने अवॉइड करना। आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी सवाल है मेरा आपसे, अगर आप में और आपकी फैमिली में कोई भी मतभेद होती है, मतभेद यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कोई भी छोटी मोटी हल्की फुल्की फाइट होती है, तो क्या आप अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेते हो, पूरे मोहल्ले वाले को ले आते हो, या फिर जो भी आपके और उनके बीच में दिक्कत होती है आप उनके साथ बैठ के रिजोल्व करते हो? सर हम उनके साथ बैठ के रिजोल्व करते हैं। तो यही ये कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है अगर आपको आईसीआई से कोई कंप्लेंट है ना तो आईसीआई को बताओ। ऐसे ढिंडोरा मत पीटो कि यार आईसीआई बड़ा गलत इंसान है, आईसीआई बहुत परेशान करती है, ये वो नहीं। इंस्टीट्यूट कहता है यार आपको हमसे गड़बड़ है तो आप हमको आके बताओ, बट इंस्टीट्यूट फिर सुनता नहीं है, तो फिर इस वजह से सब लोगों को बाहर जाना पड़ता है और बोलना पड़ता है यार आईसीए ने ये किया वो किया ये किया वो किया। तो बेटर तरीका तो ये यार इंटरनल रेजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है? जो बात हमको लगता है आईसीए को हम चाहते हैं मान जाए तो आईसीए को प्यार से बताओ और आईसीए को प्यार से मान जाना चाहिए, बट अगर नहीं मानती तो फिर इस वजह से गड़बड़े हो जाती है। दूसरी चीज, आप क्या हो सर? आप ऑडिटर हो, ठीक है? अब अगर आपने क्या किया, सपोज आप एक कंपनी के ऑडिटर हो और आप अपना ना जो जितने भी आपके बैंक्स के साथ एसोसिएशन है उन बैंक को आप बोलते हो कि मैं इस कंपनी को ना आपसे लोन दिलवा रहा हूं और आप मेरे को कमीशन दे दो, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है? सब समझना मेरी बात। आप गए एक बैंक के पास और आपने इस बैंक को बोला कि आप इस कंपनी को लोन दे दो जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है? मैं इसका ऑडिट कर रहा हूं, आप इसको लोन दे दो। जितना ये लोन देगा उसका कुछ परसेंटेज आपने कहा कि आप लोगे एज अ कमीशन, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? और इसके बारे में कंपनी को पता नहीं है, तो मुझे बताओ ये गड़बड़ बात है या नहीं है? सर बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आप अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो बैंक के ऊपर कमीशन लेने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की गलत गलत हरकतें आपने नहीं करनी। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं सर? कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने आर्टिकल असिस्टेंट से पर्सनल काम कराते हैं। क्या बताऊं मैं, ये अपने आर्टिकल असिस्टेंट से पर्सनल काम कराते हैं। बिग फोर की बात नहीं कर रहा, बिग फोर तो हाई फाई फर्म्स हैं, छोटी छोटी फर्म्स की बात कर, ये अपने पर्सनल काम कराते हैं। तो अब ये पर्सनल काम कराना इनको शोभा देता है क्या? नहीं सर, शोभा नहीं देता।
क्या करें? इसको आप प्रोफेशनल डिसरिप्यूट बोलते हो, कहते हैं ऐसे गलत काम आपको नहीं करने। ठीक है, अब तो काफी चीजें सुधर गई हैं, काफी लोग सुधर गए हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं इस तरह की चीजें ही डिसरिप्यूट लाते हैं। तो आईसीआई ने बोला कि भाई साहब अपना बिहेवियर प्रोफेशनल रखो, यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल इन दीज थिंग्स, कोई भी गलत काम ऐसा मत करना, कोई भी ऐसी गड़बड़ मत करना जिससे हमारे प्रोफेशन का डिसरिप्यूट आ जाए, डिसक्रेडिट आ जाए, प्रोफेशन की बदनामी हो। सो इट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइड एनी कंडक्ट विच ब्रिंग्स डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन। एंड लास्ट पॉइंट इन्होंने यही बोला कि इंडिपेंडेंस के जो स्तंभ है, आप मुझे एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, कहां है तुम? यस, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, फिर से लेते हैं। अब आ गया, हाँ अब बताओ मेरा आपसे सवाल वापस रिपीट कर रहा हूं, पहली क्लास है, प्लीज माफ करो ना। हाँ, तो आपने बस इतनी सी बात समझनी है, जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस है, ये जो सारी खूबियां है, ये सिर्फ ऑन पेपर होनी चाहिए, सिर्फ दिखनी चाहिए, या फिर जो ऑडिटर है वो माइंड से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए? जल्दी से बताओ, शुड द इंडिपेंडेंस बी ओनली ऑफ द अपियरेंस और ऑफ द माइंड? जल्दी से बताओ, दोनों होने चाहिए या सिर्फ अपियरेंस में होनी चाहिए? बताओ क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी इंडिपेंडेंस कैसी हो, ऑफ द माइंड हो या ऑफ द अपीयरेंस हो, कैसी हो? बोथ होनी चाहिए सर, हम लालची लोग हैं, हम कहते हैं दोनों होनी चाहिए, एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कह रहे ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस है, इट शुड कंप्राइज ऑफ बोथ। सर बोथ का क्या मतलब है? बोथ का मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द अपीयरेंस। दोनों की दोनों इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तभी का काम आपका एकदम चकाचक होगा। तो अब हमने क्या पढ़ा सर? आपने अभी मेरे साथ पढ़े फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, यानी अगर ये पांच एलिमेंट्स, जैसे हमारी बॉडी क्या है, पांच तत्वों से बनी है, अगर ऑडिटर के अंदर ये पांच तत्व प्रेजेंट हैं, तो ऑडिटर को आप इंडिपेंडेंट बोलोगे। अब एक बात बताओ, क्या आपने ये वाला गाना सुना है, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी धुम, ओ सावन राजा कहां से आए तुम, चक धूम धूम झक धूम धूम। ये गाना शुरू कहां से होता है, जल्दी से बताओ, कोई बच्चा बताना चाहेगा ये गाना शुरू कहां से होता है? घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी धुम, ओ सावन राजा कहां से आए तुम, बताओ। बच्चा कह रहा है सर अपीयरेंस का क्या मतलब है, जो आपकी हरकत है, एज एन ऑडिटर जो भी आप चीजें करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप एक्ट करते हैं, इट शुड ऑल्सो लुक कि भाई हाँ आप इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप मैनेजमेंट से गिफ्ट्स एक्सपेक्ट ले रहे हैं, मैनेजमेंट आपको वेकेशन पे भेज रही है, ठीक है, अच्छा लगेगा एक ऑडिटर को कंपनी वेकेशन पे भेजे तो कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा? जल्दी से बताओ, कोई लड़का था, नहीं, कोई लड़की है, जब वो हंसती है बारिश आती है धड़म धड़म धुम धुम, आपको सिंगर बनना चाहिए था, मैं क्या करूं, मैं सिंगर बन जाता तो फिर सोनू निगम और शान का करियर खत्म हो जाता ना, तो अब हम ऑडिट पढ़ाने आते हैं। कोई लड़का था नहीं, कोई लड़की है, ठीक है, तो अब आपने बोलना है, जब ऑडिटर के आप बारे में आपसे पूछे तो आप बोलोगे कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, कोई प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल है वो कैसा है? सर वो इंडिपेंडेंट है। वो कैसा है सर? वो इंडिपेंडेंट है। सर ये कैसे, क्या मतलब है, एक बार बताओ सर, कोई प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? कोई का मतलब है सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या बात है सर, तक धूम धूम चक धूम धूम, यही बात है, वेरी गुड। ओ का क्या मतलब है सर? ओ का मतलब है ओ फॉर
ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। सर आई का क्या मतलब है? सर जी प्लीज ये भी बता दो कि कॉपी कितने पेज की लगानी है। तुम यार एक बढ़िया सा रजिस्टर ले लो ना, एक क्लासमेट का, ठीक है, 200-300 पेज का एक रजिस्टर ले लो, क्या जा रहा है वो। जैसे ही खत्म हो जाए ना, मतलब तुमको क्या होगा ना, ऑडिट का जितना भी खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद तुम आगे अपने एडवांस अकाउंट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। घबराते क्यों, कोई एक कॉपी ले लो जो भी तुमको ठीक लगती है। ऐसे मेरे को पता नहीं अब कितनी जजमेंट लगा नहीं सकता मैं, छोटी सी प्यारी सी कॉपी ले लो, ठीक है। तो कम क्या गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बच्चे ने कहा इंटीग्रिटी भी लिख दो सर, वेरी वेरी गुड। अब बच्चे कहे सर ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता, इंटीग्रिटी। एंड सर ये प्रोफेशनल का क्या करें, इससे अपन दो दो पॉइंट्स निकालेंगे। क्या बात करते, इतना बड़ा नाम है प्रोफेशनल, तो इससे दो पॉइंट्स तो निकालो। सर दो पॉइंट्स क्या हैं, दो पॉइंट्स आ गए आपके प्रोफेशनल बिहेवियर। सर प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब, वही वाला पॉइंट कि आपने अपना काम लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करना है, एंड कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो डिसक्रेडिट लाती है टू द प्रोफेशन। सर डिसक्रेडिट का क्या मतलब है, जो हमारे इंस्टीट्यूट को बदनाम करती है। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, अटेन एंड मेंटेन, अटेन एंड मेंटेन वाला पॉइंट आप इसमें ध्यान में रखेंगे। फटाफट इस पॉइंट को नोट करो और मुझे कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड इंडिपेंडेंस शुड बी ऑफ बोथ माइंड एंड अपियरेंस, दोनों में इंडिपेंडेंस होनी ही चाहिए। क्या ये टॉपिक सबको क्लियर है, फटाफट बताओ हाँ या ना। इज दिस टॉपिक क्लियर टू एवरीवन? और गाना गा लो ताकि तुमको हमेशा याद रह जाए, कोई प्रोफेशनल है जब वो आता है ऑडिट करता है, दड़म दड़म दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। सारे बच्चे पानी के दो दो घूंट लगाओ और मुझे कंफर्म करो, डन डना डन डन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑल गुड, एक बार आंखें बंद करके ना रिकॉल कर लो, एक बार आंखें बंद करके ये पांचों की पांचों हेडिंग्स को रिकॉल कर लो, ये कहती क्या है हेडिंग्स, रिकॉल दीज हेडिंग्स फास्ट। अमृत मेरे दोस्त, आपको ये नोट्स अभी हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे 1-2 दिन में, अभी के लिए पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की थी, ये आपको पीडीएफ में गूगल ड्राइव में भी अवेलेबल करा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। डन, वेरी वेरी गुड, ठीक है, सेटिस्फाइड, ऑल गुड, यस सर। अब सर एक बात बताओ, इंडिपेंडेंस अपियरेंस से कैसे होगा, मैंने बताया तो सही तुमको, अपियरेंस का क्या मतलब है, दिखना चाहिए कि तुम इंडिपेंडेंट हो। मैंने एग्जांपल में भी तुमको यही बात बताई कि अगर आप कंपनी से गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप कंपनी से गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या आप इंडिपेंडेंट दिखोगे? नहीं। कंपनी दिवाली पार्टीज करती हैप्पी न्यू ईयर पार्टीज करती है गोवा में, वो आपको आने जाने का ट्रेवल का टिकट देती है, 5 स्टार का स्टे देती है, तो क्या आप इंडिपेंडेंट हो? नहीं, झूठ बोलते हो आप इंडिपेंडेंट हो। अच्छा कितने, कैसे इंडिपेंडेंट? कंपनी पता है आपसे अगली बार जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ निकालोगे, आपको पता है क्या बोलेगी, गोवा में तो आप बड़े मन लगा के खाना पीना कर रहे थे, अब आप हमारी गलतियां निकालते हो, आप कहोगे चलो सॉरी सॉरी सॉरी, अगली बार मेरे को मलेशिया भेजना, तो आपकी इंडिपेंडेंस कहाँ गई? ऑन पेपर तो आप इंडिपेंडेंट हो, बट आप तो कंपनी से सारे मजे ले रहे हो। तो भाई साहब इंडिपेंडेंट सिर्फ माइंड में नहीं, अपियरेंस में भी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आई बात समझ में? गॉट इट, यस सर। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई, तो अब आते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। यानी मैंने आपको सबसे पहले बोला सर हमारा ऑडिटर कैसा हो, आप सबने कहा इंडिपेंडेंट हो। अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर चेक करना है तो उसके अंदर क्या होने चाहिए सर, उसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ये 5 प्रिंसिपल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हम मानेंगे इंडिपेंडेंट है। बट इन्हीं प्रिंसिपल्स पे क्या आ जाता है सर, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं थ्रेट्स। अब हम इन थ्रेट्स की बात करेंगे, और थ्रेट से घबराने वाली बात नहीं है, थ्रेट से घबराने वाली बात नहीं है, हमने थ्रेट्स के लिए सेफ गार्ड भी लगाए, हमने थ्रेट्स के लिए सेफ गार्ड भी लगाए हैं। सो दीज आर द नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। सारे बच्चे अब यहाँ पे फोकस करो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो यहाँ पे देखो देखो देखो, जितने भी आपके डाउट्स है एक बार लिख के रख लो, जो भी रहेगा अभी हम लेते हैं इसके बाद।
सारे बच्चे अभी आ जाओ, थ्रेट्स की बात करेंगे। सर थ्रेट्स में आपने क्या ध्यान में रखना है? दीज आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। एंड मजे की बात है, देखो एमटीपी अक्टूबर 18 में भी पूछा होता है, ठीक है? सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करेंगे। जस्ट नीड योर 5 मिनट्स, 5 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक आपके टिप्स पे होगा। जस्ट नीड टू फोकस है। आओ इधर, टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ये कहता है कि ये सारे थ्रेट्स हैं। सबसे पहला थ्रेट्स क्या है सर? सबसे पहला थ्रेट है, और ये बताया किसने ना, ये बनाए हैं कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसने आपको ये 5 थ्रेट्स के बारे में बताया। सिंपल सी बात, सबसे पहला थ्रेट कहता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सर सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है आपका खुद का इंटरेस्ट है एंटिटी में। नाउ दिस इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ये कैसा इंटरेस्ट है सर? ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, यानी अगर आपकी फर्म, आपका कोई पार्टनर या आपका कोई एसोसिएट पार्टनर कोई भी हो सकता है, अगर उसका फर्म, उसका जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हो उसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो फिर ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा। सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? सारी फाइनेंशियल चीजों से। सबसे पहला फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो माइंड में आपके स्ट्राइक करना चाहिए वो ये है, क्लाइंट से आपको क्या मिलती है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे, बताओ ना, तुम बताओ मुझे, मैं तुमको क्यों बताऊं, तुम मुझे बताओ हमको क्लाइंट से क्या मिलती है, जल्दी से बताओ। लंच के अलावा और इंफॉर्मेशन के अलावा आपको क्लाइंट से क्या मिलता है? आखिरी में आप ऑडिट कर क्यों रहे हो? जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम द क्लाइंट्स एज एन ऑडिटर? क्या मिलता है क्लाइंट से? सबने बिल्कुल सही कहा सर, पैसा। पैसे को अंग्रेजी में बोलते हैं फीस। तो क्लाइंट जो आपको फीस दे रहा है वो इतनी ज्यादा है कि आप उस पर अब डिपेंडेंट हो गए हो। ये क्लाइंट आपको बड़ी भारी फीस देता है, यानी मान लो आपके 10 क्लाइंट्स हैं और इन 10 क्लाइंट्स में से 90% ऑफ की जो फीस है वो एक ही क्लाइंट से आती है, बाकी 10% फीस अदर से आती है। तो एक बात बताओ, अगर आपकी 90% फीस एक ही क्लाइंट से आएगी तो क्या आप उसका ऑडिट करते वक्त थोड़ा घबराओगे नहीं कि अगर मैंने इसकी ज्यादा गलतियां निकाल दी तो अगली बार तो ये मेरे को ऑडिटर ही नहीं अपॉइंट करेगा, मेरा तो पूरा बिजनेस ही डूब जाएगा जो मैंने ऑडिट का बना रखा है? क्या आपको ऐसी फील आ रही है? हाँ सर, ये फील तो आ रही है। तो जहां भी आपकी डिपेंडेंस होगी ना क्लाइंट की फीस पे, आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बच जाएगी, आप फिर ऑब्जेक्टिवली ऑडिट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके ऊपर फीस का इन्फ्लुएंस मंडराएगा, आपके ऊपर फीस का बादल छाएगा। तो जब भी फीस पे डिपेंडेंस होगी तो बैंड बजेगी। और बताओ सर, जो फीस है वो कंटिंजेंट है। फीस के रिलेटेड एक और पॉइंट बता दिया, या तो फीस बहुत ज्यादा है या फीस कंटिंजेंट है। सर कंटिंजेंट का क्या मतलब है? गारंटी नहीं है। अगर क्लाइंट को आपका काम अच्छा लगा, अगर क्लाइंट को आपका काम अच्छा लगा तो फीस देगा, वरना नहीं देगा, वो कहेगा जाओ तुम बिना फीस लिए जाओ, निकलो। तो कंटिंजेंट फीस अगर हुई तो भी दिक्कत होगी। क्या सर कंटिंजेंट फीस अलाउड है? नारे बाबा ना। आप जब सीए फाइनल में आओगे तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रोफेशनल एथिक्स, वहां पे उन्होंने डाल रखा है कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट किया जहां पे फीस कंटिंजेंट है, हम उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में डाल देंगे, 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे, 3 महीने के लिए उसका नाम काट देंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर से। तो ये सारे थ्रेट्स को डील करने के लिए आईसीए ने प्रोविजन भी बना रखे है। तो आपने घबराना नहीं है, तो मैं आपको थ्रेट्स बता रहा हूं अभी, ठीक है? ज्ञान की बातें हो रही है। और बताओ सर, ये तो हो गई सर फीस की बातें, और क्या क्या हो सकता है फाइनेंशियल टर्म्स में? ये हो सकता है कि आप और क्लाइंट बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप और क्लाइंट क्या है सर? आप और क्लाइंट बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो अगर बिजनेस रिलेशन है किसी के साथ तो वो तो भाई बंधु हो गए। अगर भाई बंधु हो गए तो किस बात की ऑब्जेक्टिविटी, किस बात की इंडिपेंडेंस बैंड बजेगी? और बताओ सर, आप क्या हो सर? आप हो आर्टिकल, और क्लाइंट ने आपको बोला, जब आप सीए बनोगे मैं तुझे एकदम शानदार जॉब दे दूंगा। आपका जो क्लाइंट है जिसने, जिसमें आप एज एन आर्टिकल काम कर रहे हो, ठीक है, ऑडिट फर्म पे आप आर्टिकल हो, आप क्लाइंट का ऑडिट करने गए और क्लाइंट ने आपको बोला कि जिस दिन आप सीए बन गए उस दिन मैं आपको एकदम शानदार वाली जॉब दे दूंगा, क्या आपका मन में गुदगुदी होगी? सर बड़ी गुदगुदी होगी। कहां यहां पे 10-15 हज़ार रुपए मिल रहे हैं और कहां वो 10-15 लाख की नौकरी ऑफर कर रहे हैं हमको सीए बनने के बाद, तो ऑटोमेटिकली आप क्लाइंट की तरफ हो जाओगे।
और आप ऑब्जेक्टिवली अपना काम नहीं कर पाओगे, तो दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट। और बताओ सर, अगर आपने क्लाइंट को कोई लोन दे रखा है, कोई गारंटी दे रखी है, या क्लाइंट से कोई लोन ले रखा है, गारंटी ले रखी है, तो अल्टीमेटली वहां पे भी दिक्कत आ जाएगी, वहां पे भी दिक्कत आ जाएगी अगर आपने क्लाइंट से लोन लिया, आपने क्लाइंट को कोई गारंटी दी, तो ये सब भी दिक्कतें आती हैं। तो यही बातें आपने समझनी है। सबसे पहले क्या कह रहे सर, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये पॉइंट बताओ इसका क्या मतलब है। सर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है आपकी क्लाइंट में शेयर होल्डिंग है, एंड इसी को डील करने के लिए मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट ने सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 में बोला ऑडिटर का क्लाइंट में कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए। और बताओ सर, फीस की बात की थी, फीस वाले पॉइंट्स ये रहे, डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस, हेंस कंसर्न है आपको कहीं आपकी एंगेजमेंट ना छूट जाए। और बताओ कंटिंजेंट फीस, क्या ये पहले दो तीन पॉइंट समझ आए? हाँ सर। और फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे बनता है? बिजनेस से और एम्प्लॉयमेंट से। सो क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द ऑडिट क्लाइंट एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। एंड लास्ट पॉइंट इज लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट। एक बार आंखें बंद करके सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल करो, एक बार आंखें बंद करके सारे पॉइंट्स रिकॉल करो। सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या तो आपका या आपकी फर्म का या आपके पार्टनर का। कैसे कैसे आते हैं सेल्फ फाइनेंशियल थ्रेट? सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट आएगा या तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आपका क्लाइंट में कोई शेयर है, आपने शेयर होल्डिंग कर रखी है। और बताओ सर, क्या है सर फीस है जिसपे आप डिपेंडेंट हो, या फिर फीस कैसी है बोलो, कंटिंजेंट है। फिर इसके बाद दो पॉइंट बचते हैं, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, बस यही बात आपने ध्यान में रखनी है। फटाफट एक मिनट लो और अभी के अभी ये पॉइंट्स रिकॉल कर लो, एक मिनट लो और अभी के अभी ये पॉइंट्स रिकॉल कर लो। कुछ ज्यादा मसाला नहीं है, बस आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताने, और कुछ भी नहीं है। टेक अ मिनट एंड रिकॉल ऑल दीज पॉइंट्स। कंटिंजेंट फीस का एक ही मतलब है कि आपकी जो फीस है वो क्लाइंट ने फिक्स नहीं कर रखी, जो आपकी फीस है दैट हैज नॉट बीन फिक्स्ड बाय द क्लाइंट, वो क्लाइंट ने फिक्स नहीं कर रखी। तो अगर फिक्स नहीं कर रखी तो कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा ना कि क्लाइंट आपको फीस ज्यादा देगा या कम देगा, तो जो डर है उसी को आप थ्रेट बोलते हो। ठीक है, फटाफट एक बार इसको रिकॉल करो और मुझे कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रख के चलते हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब शेयर होल्डिंग। कम ऑन एवरीवन, यू कैन डू इट, बोल बोल के करना है इसको। ठीक है, वेरी गुड अंकिता, बहुत बढ़िया, परफेक्टली डन सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे पास यहाँ पे ना दो दो एजी हैं, एजी ओजी लोजी सुनोजी। एजी क्या मतलब, क्या सर? एक का नाम है अंकिता गुप्ता, एक का नाम है आंचल गुप्ता, दोनों एजी हैं। अब डीएन का डाउट आ गया, सर फीस फिक्स नहीं है तो ऑडिट कैसे हो गया? दिपेश यही तो दिक्कत है ना, अब फीस फिक्स करनी पड़ती है, अब फीस फिक्स करनी पड़ती है। कह रहे अगर फीस फिक्स नहीं है तो थ्रेट है ना, समझ रहे? हम तो थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं रहे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या क्या सिचुएशंस हैं जिस वजह से थ्रेट हो जाएगा मेरे प्यारे। तो यही बात आपने समझनी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, क्लोज बिजनेस रिलेशन वाला पॉइंट बता दो यार। देखो जो आपका क्लाइंट है ना, ठीक है, उसको आप ऑडिट के अलावा और भी सर्विसेज देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक बार इसको डिस्कस करते हैं, क्लोज बिजनेस रिलेशन वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्लोज बिजनेस रिलेशन कब होगा? दो तरीके हो सकते हैं, सारे बच्चे इधर फोकस करना, ठीक है। एक तो हमारी जो ऑडिट फर्म है, पहला तरीका, जो हमारी ऑडिट फर्म है वो सिर्फ ऑडिट की सर्विस नहीं देती, यानी ऑडिट की सर्विस तो देती है, ठीक है, ऑडिट की सर्विस तो देती है। मान लो ऑडिट की सर्विस जो देती है वो देती है 10 लाख रुपए में, बट ये टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस भी देती है। और क्या देती है सर? टैक्स कंसल्टेंसी के अलावा
टैक्स कंसल्टेंसी के अलावा ये क्या करती है, ये इसके लिए रिटर्न्स भी बनाती है, टैक्स रिटर्न्स। और क्या करती है सर ये, इसके लिए आरओसी की जो कंपनीज एक्ट की फाइलिंग्स होती है, आरओसी की जो फाइलिंग्स होती है ये भी बनाती है, ये सारी चीजें भी ये करती है। इन सब चीजों के लिए इसको पता है कितने रुपए मिलते हैं, जानना चाहेंगे आप? हाँ सर जानना चाहेंगे। 50 लाख रुपए, क्या बात कर रहे हो, 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये अपना ऑडिट पूरी शिद्दत से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सोच के बताना। ऑडिट के लिए 10 लाख रुपए, बाकी सर्विसेज के लिए 50 लाख रुपए, क्या ये अपना ऑडिट पूरी शिद्दत से कर पाएगी, सोच के बताना मेरे दोस्त। डू यू फील ये ऑडिट पूरे दिल से एकदम जज्बातों के साथ अच्छे से पूरा मन लगा के कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या ऑडिट में काम चोरी होगी, व्हाट डू यू फील? काम चोरी होगी ना सर, पैसा बोलता है एट द एंड ऑफ द डे। आप इस क्लास में आए क्यों, ऑडिट पढ़ने के लिए नहीं, तुम पैसा कमाने के लिए आए हो सर, क्या बात कर रहे हो। हाँ तुम इंटर क्लियर करोगे, आर्टिकलशिप पे जाओगे, क्या मिलेगा, पैसा। तुम आर्टिकलशिप के बाद फाइनल क्लियर करोगे, क्या लोगे, या तो खुद का प्रैक्टिस करोगे या जॉब करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, क्यों करोगे, पैसे के लिए। तो अल्टीमेटली पैसा बोलता है, तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, कि जहां आपने ऑडिट के अलावा और भी सर्विसेज दे दी तो ये एक बिजनेस रिलेशनशिप हो जाती है। और बताओ सर सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस ये है कि जो हमारी कंपनी है, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, ये कंपनी आपको क्या करती है सर, ये कंपनी आपकी जो ऑडिट फर्म है ये इसको सर्विसेज देती है विच आर नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। सर आर्म्स लेंथ प्राइस क्यों, ये ऐसी सर्विसेज देती है, सर्विस देती है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि दीज सर्विसेज आर नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। सर आर्म्स लेंथ प्राइस का सिंपल सी बात मतलब है, मान लो मैं ऑडिट कर रहा हूं किसका, आईटीसी होटल्स का, मैं आईटीसी होटल्स का ऑडिट कर रहा हूं। अब आईटीसी होटल्स बाकी लोगों को, अदर्स को अपना जो रूम है सर वो कितने पे देता है, वो देता है 10,000 पर डे पे। और जो हमारे ऑडिटर हैं, और जो हमारे ऑडिटर हैं इनको जाना था वेकेशन पे, तो इन्होंने आईटीसी का जो होटल है वो कितने पे लिया, कह रहे मार्केट से ज्यादा नहीं, मार्केट से कम रेट पे देगा, तभी तो फायदा होगा ना ऑडिटर को। इसको जब इन्होंने होटल दिया तो इन्होंने दिया इनको 999 पर डे, जीएसटी भी नहीं लगा, बताओ 999 पर डे पे इन्होंने होटल दे दिया। तो मैं एक बात बताओ, 999 पर डे और 10,000 पर डे में फर्क है क्या? हाँ सर हाँ बहुत फर्क है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है सर, ये दोनों में बड़ी गड़बड़ हो गई है। एंड इसी वजह से कंपनीज एक्ट जो है हमारा 2013, उसने भी क्या बोला सर, वो कहता है सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, डायरेक्टर को ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई कर डाला। तो इसने इसको क्या बोला, जहां भी कंपनी एंड ऑडिटर के बीच में बिजनेस रिलेशन आएगी वहां ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाए, वहां हमारा जो ऑडिटर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या बिजनेस रिलेशन वाले दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, फटाफट बताओ, आर दीज टू पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्विकली टेल मी। अगर आप चाहो तो एक बार नोट डाउन कर लो, आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ बिजनेस रिलेशन वाला कुछ पॉइंट रहता था। फटाफट बताओ एक बार देख के, आर दीज टू पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है? नोट डाउन करने की आई थिंक इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉट दैट रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो आपके नोट्स काफी है, ठीक है, नहीं भी नोट डाउन करोगे तो चलेगा। अब आ जाओ इधर, ये आपका क्या हो गया सर, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड का क्या मतलब है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब भी चलो मैं आपको समझा देता हूं। मान लो हमारा जो ऑडिटर है, सारे बच्चे फोकस करना यहाँ पे, सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करना, हमारा जो ऑडिटर है सर, ये ऑडिटर ने क्या किया, इसकी पूरी टीम है, ठीक है, हमारी एक टीम है, इस टीम में बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे ढेर सारे लोग हैं, ठीक है सर,
ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला कोने वाला बंदा जिसको मैंने पीला पीला किया, ये पहले क्लाइंट के लिए काम करता था, ये पहले क्लाइंट के लिए काम करता था, यानी जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसको हम यहां पे क्लाइंट बोल रहे हैं, ये क्लाइंट के लिए काम करता था एंड उस क्लाइंट में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता था। इस क्लाइंट ने जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाए, सर इंटरनल कंट्रोल क्या बोल रहे हो आप, ये क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब है प्रोसेसेस। क्या मतलब है सर इंटरनल कंट्रोल का? प्रोसेसेस। जो भी इसने प्रोसेसेस बनाए किसके रिगार्डिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अराउंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के अराउंड, इन प्रोसेसेस को भी इसी ने डेवलप करवाया, इसी ने डेवलप करवाया। अब एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटर ये आपकी टीम का मेंबर बन चुका है क्योंकि इसने क्लाइंट को छोड़ा, ये आपका पार्ट बन गया। क्या आपको कोई सिचुएशन समझ आ रही है? क्लाइंट का एक बंदा था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता था, इसने क्लाइंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अराउंड प्रोसेसेस थे जिसको हम इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं वो बनाए। अब ये क्लाइंट को छोड़ के कहां आ गया? सर हमारी टीम में आ गया। अब एक बात बताओ, एज एन ऑडिटर आपका काम क्या है? सर हमारा काम है ओपिनियन देना। वॉट इज द ड्यूटी? हमारी ड्यूटी है ओपिनियन देना। किस पे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना। अब एक बात बताओ, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपके एक टीम मेंबर नहीं बनाया, आप उन्हीं पे ओपिनियन देने वाले हो, क्या लगता है ये गड़बड़े निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? क्या लगता है ये गड़बड़े निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? क्या कोई इंसान जो खुद कोई चीज बनाता है वो अपनी चीज में से गड़बड़ निकालता है क्या? एग्जाम्पल के तौर पर आपने कभी खुद खाना बनाया हो? जो इंसान खुद खाना बनाते हैं वो कभी बोलते हैं मैंने खराब बनाया? मैंने कितनी बार चाय बनाई है? मुझे तो फैमिली बताती है कि कितनी खराब चाय बनाता हूं मैं, बट अल्टीमेटली मुझे तो वो चाय बड़ी स्वाद लगती है। बट जब आप कोई गड़बड़ करते हो तो आप अपनी गड़बड़ थोड़ी ना बताओगे। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अपने ही काम को थोड़ी रिव्यू करोगे भाई, उसी में से थोड़ी गलतियां निकालोगे। तो यही कह रहा है कि जो सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द एंगेजमेंट, क्या बोल दिया सर आपने ये? हाँ, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है? सर दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट का क्या मतलब है? जिसके ऊपर आपने अपना ओपिनियन देना है उसको हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट बोलते हैं। अगर उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट को आप ही ने बनाया है तो आप उस पर ओपिनियन नहीं दे सकते। क्या इतनी सी बात समझ आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट का क्या मतलब है? जिस पे आपने अपना ओपिनियन देना, यानी इस केस में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात, इस केस में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है कि जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने खुद बनाया आप उस पे ओपिनियन नहीं देंगे। सिंपल सी बात, ये समझ आई? जल्दी से बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल गुड? यस सर। यही बात यहां पे लिखिए, ध्यान से समझ। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब है दिस अकर्स ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन अ प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। सर क्या कहना चाह रहा है? कह रहे नॉन ऑडिट सर्विसेज इंक्लूड प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड अदर देन ऑडिट और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दीज इंक्लूड मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। और व्हेन अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम, हमारी ऑडिट टीम का मेंबर क्या था? सर क्लाइंट का एम्प्लॉय था या क्लाइंट का डायरेक्टर था। तो इसको आप सबको सेल्फ रिव्यू थ्रेट में डालेंगे। एंड यहां पे आपका मैं एक सेक्शन रिलेट करवा दूं, एक धागा जोड़ दूं। हाँ सर, धागा जोड़ दो। सारे बच्चे एक बार ना ये लाइन पढ़ो, नॉन ऑडिट सर्विस इंक्लूड्स मैनेजमेंट सर्विस, थोड़ा ना और डार्क, मैनेजमेंट सर्विस, इंटरनल ऑडिट सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सिस्टम। क्या ये सारे वर्ड पढ़कर आपको कंपनी लॉ की कुछ याद आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या आपको ये सारे वर्ड्स पढ़कर कंपनी लॉ की कुछ बात याद आ रही है कि ऑडिटर सेक्शन नंबर 144 में ये सारी सर्विसेज नहीं दे सकता? क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। धागा है जोड़ना है, धागा है बस उसको जोड़ना है। जल्दी से बताओ, क्या आपको ये याद आ रहा है? तो ये क्या है?
सर कंपनी लॉ वाले सतर्क लोग हैं, उनको पता है कि अगर ऑडिटर ने ये सारी सर्विसेज दी तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये गड़बड़ घोटाला है। तो आपने बस यही बात समझनी है कि 144 को क्यों लाया गया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट की वजह से, कि अगर आप एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिव्यू दोगे, आप उसके प्रोसेसेस के ऊपर रिव्यू दोगे कि इसके प्रोसेसेस ठीक है कि नहीं, तो आप उन प्रोसेसेस के साथ एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, वेरी वेरी गुड यशवी, बिल्कुल आपने सही बोला, राधिका ने भी बिल्कुल सही बताया, एजी ने भी, दोनों ने सही बताया, वेरी गुड। क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। और बताओ इसके कब कब आते हैं? यही बात ये बोल रहे हैं कि ऑडिटर ने परफॉर्म करी है सर्विसेज विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट को दो बार अंडरलाइन करो, बहुत ही प्यारा वर्ड है। क्या आपको इसका मतलब समझ आया? सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल, जिन पे आप अपना ओपिनियन देते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपनी के जो प्रोसेसेस हैं, आप इनके बनाने के साथ एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट का ये मतलब है। दूसरा, आपकी टीम का मेंबर कंपनी का डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर नहीं होना चाहिए। दो बात आपने ध्यान में रखनी है सर, पहली बात क्या है, डायरेक्टर और ऑफिसर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट के रिगार्डिंग सर्विसेज नहीं दी होनी चाहिए, यानी एज एन ऑडिटर आप ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले नहीं होने चाहिए। क्या आपको सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मीनिंग क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, इज द मीनिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सारे थ्रेड्स मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी बस मुझे बताओ क्या ये बात समझ आई, फटाफट बताओ। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट के हम ढेर सारे एग्जांपल्स डिस्कस करें। देन कम्स योर सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जो काम आपने किया आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते, यानी आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट बनाने वाले नहीं होने चाहिए, आपका कोई टीम मेंबर कंपनी का डायरेक्टर या ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ऑल गुड, ऑल गुड सर। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एडवोकेसी थ्रेट। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एडवोकेसी थ्रेट। सर एडवोकेसी थ्रेट का क्या मतलब है? नाम से ही पता चल रहा है सर, नाम से क्या पता चल रहा है? तारीख पे तारीख मिल रही है माय लॉर्ड, नहीं मिल रहा है तो इंसाफ, आप कंपनी के एडवोकेट मत बन जाना, आप ऑडिटर हो मेरे दोस्त, ऑडिटर ही रहो, आप कंपनी के एडवोकेट मत बन जाना। जिस दिन आप कंपनी के एडवोकेट बन गए, आप कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने लग गए, तो फिर आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बच जाएगी, आप कभी भी ऑडिट पूरे दिल से नहीं कर पाओगे, इंडिपेंडेंटली आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। इसी सी बात यहां पे इन्होंने लिखी है, क्या कहते हैं सर, जब ऑडिटर प्रमोट करता है या ऐसा दिखता है, इट इज परसीव्ड कि वो प्रमोट कर रहा है, क्लाइंट का ओपिनियन इस कदर, सर टू अ पॉइंट का क्या मतलब है, इस कदर, बाप रे बाप, ये क्या हो गया, इस कदर उसने इसको प्रमोट किया, इस कदर इतना प्रमोट कर रहा है, वेयर पीपल में बिलीव, जो लोग देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है दैट ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, ऑब्जेक्टिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वो यही कह रहा है कि अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज मत करना, इस कदर टू अ पॉइंट इतना प्रमोट मत कर देना क्लाइंट के इंटरेस्ट को कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी की ही बैंड बच जाए, आपकी ऑब्जेक्टिविटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो दो एग्जांपल इन्होंने दिए हैं सर, पहला एग्जांपल तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, एडवोकेसी थ्रेट मतलब एडवोकेट, एडवोकेसी थ्रेट मतलब आप क्लाइंट के एडवोकेट बन गए। दूसरा पॉइंट है सर, प्रमोटर का क्या मतलब होता है? कंपनी के जो शेयर्स को प्रमोट करता है, तो ऑडिटर डीलिंग इन द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। जस्ट All you need to do is remember these examples. That's all about it. इसमें और ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो तीन तरह के threats की हमारी अभी तक बात हुई है, फटाफट मेरे को एक बार revise कराओ, What are the types of threats to the principles of professional ethics? क्या क्या threats की बात हुई? सबसे पहले हमने कौन से threat की बात करी? सबसे पहले हमने बात करी self interest threat. Come on. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का क्या मतलब है? कीवर्ड्स की बात करेंगे, पूरा पूरा ज्ञान नहीं लिखेंगे। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इस फाइनेंशियल इंटरेस्ट में क्या क्या आता है जल्दी से बताना, इस फाइनेंशियल इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सारे बच्चे मेरे साथ ये नोट डाउन करते जाओ, अपनी एक नोटबुक उठाओ और उसमें मेरे साथ ये नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहले हम लिख रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के बारे में, उसमें हमने लिखा फाइनेंशियल इंटरेस्ट और उसमें सबसे पहले हमने लिखा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सर दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें? दूसरा पॉइंट आप ही मुझे बताओ ना, फीस वाला पॉइंट था, राइट?
तो फीस के रिगार्डिंग हम दो पॉइंट्स उठा लेते हैं ना, हम भी तो कमाल लोग हैं, हम भी दो पॉइंट उठाएंगे। एक तो हम डिपेंड करते हैं फीस पे, हैवी डिपेंडेंस ऑन द फीस। दूसरा हमारी जो फीस है वो कंटिंजेंट, दूसरा हमारी फीस क्या है, कंटिंजेंट है। तीसरा सर था इंप्लॉयमेंट और चौथा था बिजनेस रिलेशन। इंप्लॉयमेंट और बिजनेस रिलेशन मिल रही है हमको, मजेदार। आखिरी में तो हमने हद ही कर दी, क्लाइंट से लोन ही ले लिया, लोन और गारंटी। ठीक है, तो ये हमारे सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट के हो गए, इनको लिखते जाना। ठीक है, अब आते हैं सर अगला पॉइंट, दैट इज योर सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब है दो चीजें आपने इंश्योर करनी है, आपका को आपने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट। दूसरा दूसरा पॉइंट आपने जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आपका टीम मेंबर क्लाइंट का डायरेक्टर या ऑफिसर नहीं होना चाहिए, आपका टीम मेंबर क्लाइंट का डायरेक्टर और ऑफिसर नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दैट वाज एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट में भी आपने बस दो बातें याद रखनी है, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर ऑब्जेक्टिविटी। क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बिकॉज यू आर प्रमोटिंग, याद है इस कदर याद रखोगे तो याद रहेगा, प्रमोटिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट टू अ पॉइंट जिस वजह से आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाना है। इसके दो एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस करे वो क्या थे, सबसे पहले तो आप क्लाइंट के लिए एडवोकेट नहीं बनेंगे, दूसरा आप क्लाइंट के शेयर्स में डीलिंग वगैरह नहीं करेंगे। क्लाइंट के शेयर्स में आप डीलिंग नहीं करेंगे, ये दो बातें आपने बस समझनी है। ऑलराइट, बस इसके बाद दो पॉइंट्स और हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ब्रेक देता हूं। मेरी मम्मी आ गई, कहती ब्रेक हो गया, मुझे पता नहीं चला 1 hour 37 minutes हो गए, पता नहीं क्यों। अभी तो हमने क्या पढ़ा, ठीक है पढ़ते ही जा रहे हैं, मजा आता जा रहा है, पता चला किसी को ब्रेक होने का टाइम आ गया, 8:46 हो गए। हम तो ज्ञान की वर्षा करते जा रहे हैं और भीगते जा रहे हैं। जल्दी से सारे बच्चे एक बार इसको नोट डाउन करो और मुझे कंफर्म करो, फिर हम लास्ट टू थ्रेड्स पढ़ते हैं, देन मैं आपको ब्रेक देता हूँ। मजा आ रहा है, क्या बात है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है यार, ऐसे चलते जा रहे फ्लो में अपन, क्या दिक्कत है। ऑल राइट, जन जनार्दन, जन जन सर, चलो अब आज मेरे साथ लास्ट के दो थ्रेड्स करेंगे, फिर मैं आपको थ्रेड्स याद करा के ब्रेक देता हूं। आओ 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 सर, लास्ट के दो थ्रेड्स ये हैं, सिंपल से हैं, फैमिलैरिटी थ्रेड्स, नाम से ही पता चलता है फैमिली की कोई बात होगी। तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर क्लाइंट का बंदा है, तो यहाँ पे फैमिलैरिटी थ्रेड आएगा, क्योंकि कभी भी आप अपने भाई बंधु की गलतियां नहीं निकालते। तो जो अगर आपकी जो बहन है वही क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, तो क्या आप अपनी बहन की गलतियां निकाल पाओगे? नहीं सर, कैसे निकालेंगे, जीने नहीं देगी, रक्षाबंधन पे राखी नहीं बांधेगी। ठीक है, तो ये बात आपने समझना है, ठीक है सर। दैट्स द पावर ऑफ लर्निंग विद फन, ऑडिट इतना भी बुरा नहीं, ऑडिट बुरा है ही नहीं, ऑडिट सबसे प्यारा है। ठीक है, तो फैमिलैरिटी थ्रेड में इन्होंने क्या बोला, व्हेन द ऑडिटर फॉर्म्स, सब रिश्ते नाते हंस के छोड़ दूं। सर रिश्ते बना रहे हो आप, हमने आपको ऑडिट करने भेजा था, आप रिश्ते बना रहे हो, क्या कर रहे हो सर? रिश्ते नहीं बनाने, जहां आपने रिश्ते बना लिए क्लाइंट के साथ, क्लाइंट आपको राखी बांध रहा है, आप राखी बांधवा रहे हो, यार क्या चल रहा है मेरे दोस्त,
ये सब थोड़ी अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। तो कह रहे रिश्ते नहीं बनाने क्लाइंट में जाके, अगर आपने रिश्ते बनाए तो भाई साहब आप बहुत ज्यादा सिंपेथेटिक हो जाओगे। एंड यहाँ पे ऑडिट में इमोशंस नहीं चलेंगे, ठीक है, इमोशनल नहीं होना ऑडिट में। तो सिंपैथी अवॉइड करनी है क्लाइंट के प्रति, तो प्लीज क्लाइंट्स के साथ रिश्ते ना बनाए। तो क्या कहता है सर, ध्यान से समझना, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट इज इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी, या फिर आपका कोई पुराना पार्टनर अब क्लाइंट का डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय बन गया है, या फिर आप क्लाइंट के साथ इतने घुल मिल चुके हो, इतने सालों से क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, सच अ लॉन्ग एसोसिएशन दैट अब वो फैमिली वाली फीलिंग आ गई है। एंड लास्ट पॉइंट इज क्लाइंट आपको गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी देता है फ्रॉम द क्लाइंट्स, इट्स डायरेक्टर्स एंड इट्स एम्प्लॉयज। तो मेरे दोस्त यहां पे भी दिक्कत हो जाएगी। तो फैमिली वाली बात में आपने बस तीन चार बातें ध्यान में रखनी, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखो, फटाफट याद करो। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट, आप ही का फैमिली मेंबर क्लाइंट का मेंबर है, क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, योर रिलेटिव इज इन द क्लाइंट, वो सीनियर पोजीशन पे बैठा है। दूसरा, आपका फैमिली मेंबर नहीं बट आपकी फर्म का कोई बड़ा, आपकी फर्म का कोई बड़ा यानी आपका फॉर्मर पार्टनर। अब आपका जो फॉर्मर पार्टनर है वो क्या बन गया है, अब वो आपकी फर्म का बड़ा नहीं, वो क्लाइंट का कोई बड़ा बन गया। सर क्लाइंट के बड़े को कहते हैं डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय, क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, पहले तो हमारा रिश्तेदार, फिर हमारा पार्टनर। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई रिश्ता है ही नहीं बट रिश्ता बन गया। आप खुद सोचो ना, जिन दोस्तों के साथ आप स्कूल में थे, जिनके साथ आपने 10-12 साल स्कूल में बिताए, क्या आपको नहीं लगता वो आपके भाई जैसे हो जाते हैं, वो आपके फैमिली जैसे हो जाते हैं? सर ऐसा हो जाता है। तो इतनी लॉन्ग एसोसिएशन अगर आप क्लाइंट के साथ रखोगे तो वो भी फैमिली जैसी हो जाएगी। एंड चौथी बात आपने ये याद रखनी है कि इतनी फैमिली जैसी हो गई कि क्लाइंट अब हमको दिवाली पे गिफ्ट भी देता है, क्लाइंट अब हमको होली पे बढ़िया बढ़िया सोने चांदी के कॉइन्स भी देता है। तो अगर आपने क्लाइंट से गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी, सर हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये नहीं है क्लाइंट आपको हॉस्पिटल में डाल देगा, नहीं, आपने उससे टूर्स, ट्रिप्स, इस तरह की फैसिलिटीज ली जिससे आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, इतना आनंद लोगे तो सिंपैथी हो आएगी आएगी। तो ये सारे आनंद भी आपने नहीं लेने। तो तीन तरह के रिश्ते बनते हैं सर, तीन तरह के रिश्ते क्या बनते हैं, खून का रिश्ता दैट इज द फैमिली रिलेशनशिप, फर्म का रिश्ता दैट इज द पार्टनर, ठीक है, ऐसे याद रखना। तीन तरह के रिश्ते हैं, एक तो रिश्ता क्या है सर, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी क्लोज रिलेटिव। दूसरा क्या है सर, फर्म का रिश्ता है, हमारी फर्म का ही पार्टनर था जो क्लाइंट का सीनियर बन गया है। तीसरा क्या है सर, रिश्ता नहीं है बट बन गया है, ये जो रिश्ता है ये बन गया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं तुमको क्या बताऊं, ये रिश्ता बन गया है, हम इतना टाइम हमने सेंट बिताया। अब जो भी रिश्तेदार है वो तुमको क्या देगा? सर रिश्तेदार तो एक ही चीज देते हैं, गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी, गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी देते हैं। तो बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। पर सर रिलेटिव या कोई रिलेशन तो अलाउ ही नहीं है, वो तो ऑडिटर बन ही नहीं सकता, यही तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आप बता रहे हो वो लॉ है, जो मैं बता रहा हूं वो थ्रेट है, उसी थ्रेट को डील करने के लिए लॉ बनाया गया। क्या ये बात समझ आई? राधिका, राधिका जी ने सवाल पूछा तो मैं राधिका जी को जवाब दे रहा हूं। राधिका ये बात समझ आई, इस थ्रेट के बारे में कंपनी लॉ वालों को पता था, क्योंकि उनको इसके बारे में पता था तो उन्होंने लॉ में डाल दिया कि रिश्ते नाते नॉट अलाउड। अगर आपका कोई रिश्तेदार यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 सब क्लॉज 76 में जो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है, अगर वो रिलेटिव क्लाइंट का बंदा निकला, क्लाइंट में इंप्लॉय निकला, तो आप डिस्क्वालिफाइड है एज एन ऑडिटर। क्यों आया ये? इसी की वजह से, फैमिलियरिटी थ्रेट को डील करने के लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है। फटाफट 2 मिनट लो और अभी के अभी ये चारों पॉइंट्स को एक बार रिवाइज और रिकॉल करो। टेक 1 or 2 मिनट्स क्विकली रिवाइज एंड रिकॉल दीज 4 पॉइंट्स, कैसे कैसे रिश्ते बनते हैं सर, ब्लड का रिश्ता, फर्म का रिश्ता और एक ऐसा रिश्ता जो साथ रह के बन गया, जिसके साथ भी बना उसने हमको गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी दी, उसने हमको गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी दी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 77। वेरी वेरी गुड, यशवी ने बिल्कुल सही बताया, 2 सब 77, इसको याद रखने के लिए याद रखना, 7 और 7 रिलेटेड होते हैं। तो ये आपके रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आती है कंपनीज एक्ट में। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला यशवी। ठीक है, फटाफट एक बार इन पॉइंट्स को देखो, रिकॉल करो और कंफर्म करो चैट बॉक्स में, डी 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 दैट इज डन डरा डन डन।
ऑन कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन। Awesome. Now moving to the last thread and इसके बाद आएगा break. सर ये क्या है थ्रेड? क्लाइंट ने आपके सिर पे रख दी गोली और बोला ऑडिट कर। क्या आप क्लाइंट की गलती निकालने की कोशिश करोगे? नहीं सर, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं क्या? इंटीमिडेशन थ्रेड। सामने वाले ने आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाके रख दिया, ऐसी पोजीशन में लाके रख दिया कि इधर कुआं इधर खाई, तो आपने क्लाइंट की बात मनवाई। तो आपने इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, जहां क्लाइंट आपको इस तरह की अनकंफर्टेबल पोजीशन में रख देता है, उसको इंटिमिडेशन थ्रेट रख दे बोलते हैं। ये कब होता है सर? जब ऑडिटर को डराया धमकाया जाता है, जब भी ऑडिटर को डराया या धमकाया जाएगा। नाम ही डेटर्ड है, तुमको क्या लगता है अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी कहां से बनाई? सर हमारी हिंदी से। डेटर्ड और डराना सेम सेम तो साउंड करते हैं। तो जब जब ऑडिटर को डराया जाएगा फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सारे बच्चे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अलग हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे, अलग हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे सर। क्यों? क्योंकि ब्रेक के बाद हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सीखेंगे, ठीक है? तो इसको अलग हाइलाइटर से हाईलाइट करना और समझना। जब जब ऑडिटर को ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने से रोका जाएगा, डराया जाएगा, तो आप इसको बोलते हो इंटिमिडेशन थ्रेट। सर ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो आपको डराया जा रहा है कि हम आपको निकाल देंगे ओवर डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो कह रहे कि अगर आपने क्लाइंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से एग्री नहीं किया, जिस तरह से क्लाइंट ने अकाउंटिंग कर रखी है, अगर आपने उससे एग्री नहीं किया तो आपको निकाल देंगे। तो आप बताओ क्या क्लाइंट की गलती निकालोगे? नहीं, आपको डर रहेगा निकाल देगा यार मेरे को। और बताओ, प्रेशर टू डिस्प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस द वर्क इन रिस्पांस टू द रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। वो कह रहे हैं हम आपकी ऑडिट फीस 5,000 रुपए से ज्यादा देंगे ही नहीं। तो आप कह रहे हो 5,000 रुपए में हम तुम्हारा क्या ऑडिट करेंगे? 5,000 रुपए तो हमारा कुछ होएगा ही नहीं। तो अगर वो आपकी ऑडिट फीस बहुत कम रख रहा है, इस वजह से अब आपको लग रहा है मैं काम ज्यादा ठीक से कर नहीं पाऊंगा, तो आप एक्सेप्ट ही मत करो। एंड लास्ट पॉइंट इज थ्रेटन्ड विद लिटिगेशन। आपको डराया जा रहा है कि आपके खिलाफ केस वेस फाइल कर देंगे, झूठे झूठे केस, ठीक है? ये कोई सच्चे केस नहीं होते, झूठे झूठे केस आपके खिलाफ फाइल कर देंगे। तो बेसिकली क्लाइंट अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है सर? बड़ा ही खराब आदमी है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, यही बात यहां पे कहने की कोशिश कर रहे। तो आप ना इसको ऐसे समझना, आप पे क्या क्रिएट किया जा रहा है? थ्रेट। जैसे ही आपने थ्रेट क्रिएट किया, आप प्रेशर में आ गए। तो आपने बस इतनी सी बात समझनी है, दो तरह के थ्रेट के। सबसे पहला थ्रेट है आपको निकाल देंगे, अगर आप नहीं निकलोगे तो आपके खिलाफ केस कर देंगे। बोलो मेरे साथ, हम ऑडिटर को निकाल देंगे, अगर नहीं निकलेगा तो उसके खिलाफ केस कर देंगे। तो पहला और दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। जैसे ही आपने थ्रेट क्रिएट किया, आप प्रेशर में आ गए। सर प्रेशर किस चीज का आ गया? प्रेशर, बस याद रखना पॉइंट, प्रेशर वाला पॉइंट बस इतना कह रहा है कि अगर आपको क्लाइंट कह रहा है कि आप 5,000 में काम करो, तो आपको फिर अपना काम डिस्प्रोपोर्शनेटली यानी काफी कम करना पड़ेगा। तो आप अपना काम अगर ठीक से करोगे नहीं, तो रिपोर्ट ठीक से दोगे कैसे? तो थ्रेट और प्रेशर का गेम है इंटिमिडेशन थ्रेट। एंड लास्ट पॉइंट इज सच थ्रेट्स आर डन टू इंटिमिडेट द ऑडिटर्स टू डेटर देम। जल्दी से बताओ डेटर का क्या मतलब है? ये जो टेक्निकल वर्ड है ना, इससे जनरली बच्चे घबरा जाते हैं। तुम हिंदी मतलब समझो तो तुमको इनसे प्यार हो जाएगा। जल्दी से बताओ डेटर का क्या मतलब बताया था मैंने? मैंने तो तुमको बता दिया, तुमको समझ आया नहीं आया? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे। डेटर देम फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, डेटर का क्या मतलब है? जल्दी से बताओ, जो बैटिंग करता है वो बैटर, जो डेथ में बॉलिंग करे वो डेटर, क्या ये मतलब है? या फिर डेटर का कोई और मतलब है? जल्दी से बताओ। डरना, डराना, खौफ पैदा करना, ठीक है, उसको कहते हैं डेटर। तो हम डेटर नहीं होंगे, हम ऑब्जेक्टिवली एक्ट करेंगे, ऐसा ऑडिटर बोलेगा अपनी टीम को। एंड यही पॉइंट है इंटिमिडेशन थ्रेट। अब सर ये सारे थ्रेट्स याद कैसे रखेंगे? सवाल तो ये उठता है ना, समझ तो सब आया, ज्ञान की वर्षा हुई, बट इस ज्ञान की वर्षा से हम एग्जाम रूम तक भीगे कैसे रहे? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। तो एक ना ड्रिंक आती है, क्या ड्रिंक आती है सर? उसका नाम होता है साफी। क्या आपने साफी नाम की ड्रिंक के बारे में सुन रखा है? जल्दी से बताओ, क्या आपने साफी नाम की ड्रिंक के बारे में सुन रखा है? ऐसे उसकी ना एड भी आती थी, बॉडी के रोग को दूर भगाए, सारे रोगों को दूर भगाए, दिन में पिए 2 चम्मच साफी साफी साफी। क्या आपने इस तरह का कुछ नाम सुन रखा है? नहीं भी सुन रखा तो समझ लो एक ड्रिंक होती है साफी।
तो ये जो ड्रिंक होती है ये आपकी जितने भी बॉडी के थ्रेट्स हैं उनको दूर भगाती है। क्या नाम है सर ड्रिंक का? ड्रिंक का नाम है साफी। साफी पियो और थ्रेट्स को दूर भगाओ, बच्चों कह रहे हैं हमने सुन रखा है। वेरी वेरी गुड। तो सर ये साफी का क्या मतलब है? साफी का मतलब है सारे के सारे थ्रेड्स को दूर भगाओ, बच्चा कह रहा है कड़वी होती है, ब्लड क्लीनिंग के लिए होती है, कड़वी कड़वी होती है। वेरी वेरी गुड। मुझे तो लग रहा था तुमको पता नहीं होगा, तो सारे के सारे देसी बच्चे आए हैं ऑडिट की क्लास में, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत कड़वी होती है। वेरी वेरी गुड। तो यही साफी को आपने याद रखना है। सर साफी का क्या मतलब है? फटाफट यहां पे लिखते हैं, फटाफट आपके नोट्स में लिखते हैं, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। तो जो बॉडी के थ्रेड्स को क्या मुश्किल को दूर भगाए बॉडी के थ्रेड्स को दूर भगाए उसको बोलते हैं साफी। सर साफी का क्या मतलब है? एस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, फॉर सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, आनंद ही आनंद। ए फॉर एडवोकेसी थ्रेड्स, यानी आप क्लाइंट के एडवोकेट और प्रमोटर नहीं बनेंगे। और बताओ सर। एफ फॉर फैमिलियरिटी थ्रेड्स एंड आई फॉर इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन थ्रेड्स। गॉट इट। तो अब रिवाइज करने के लिए किताब खोलने की जरूरत है नहीं, पढ़ो, याद करो, रिकॉल करो और आगे बढ़ते जाओ। एंड नाउ इज द टाइम फॉर द ब्रेक। जी हाँ, हम अपना पहला ब्रेक लेने वाले हैं। एंड ब्रेक के बाद क्या करेंगे? ब्रेक के बाद क्या करेंगे सर? ब्रेक के बाद ना कुछ नहीं करेंगे, जो आपने थ्रेड्स पढ़े हैं हम इनके लिए सेफ गार्ड्स लेके आएंगे। देखो प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस सॉल्यूशन की है बात। तो इन थ्रेट्स के साथ डील करने के लिए आप क्या सेफ गार्ड लगाने वाले हैं, उन सेफ गार्ड्स की बात करेंगे, बट जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अब हम ब्रेक लेंगे, एकदम आनंदमय ब्रेक लेंगे। 15 मिनट्स का ब्रेक है, ठीक है, 15 मिनट्स का ब्रेक है। 15 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास के साथ। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, रिफ्रेश योर सेल्फ एंड लेट्स कैच अप आफ्टर द ब्रेक।